चलिए देखिए, देखो दोस्त, हमने आपको लास्ट क्लास में हाइड्रोलिसिस वाले बताए थे, तो फिर से आप लोग हेडिंग लिखिए जरा। ठीक है, आप लिख चुके हो, फिर भी लिखो। लिखो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, याद है आप लोगों को? लास्ट क्लास में हमने डेरिवेशन तक पहुंच गए थे, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से नहीं हो पाया था। आज हम फिर से आपको बता रहे हैं। देखिए, आपको पता है कि कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेसेस जो होते हैं, ध्यान से देखना, बोलना नहीं बीच में, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेसेस। तो एक बात बताओ दोस्त, तो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन कितने तरीके हो सकते हैं? चार तरीके। एक स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस होता है, जिस केस में पीएच की वैल्यू 7 होती है, उसको हम लोग बोलते हैं कि वो पूरा का पूरा सॉल्यूशन न्यूट्रल सॉल्यूशन है। फिर भाई आपने देखा था कि स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस का एक सॉल्यूशन होता है, क्वालिटेटिवली उसका नेचर क्या होता है? एसिडिक, क्वालिटेटिवली एसिडिक होता है। और उसकी वैल्यू अगर आपने देखी थी तो पीएच की वैल्यू क्या आई थी? लेस देन 7। और हमने कल वाली क्लास में आप लोगों को पूरे फॉर्मूले पे काफी क्वेश्चन कराए थे। तो फॉर्मूले पे क्वेश्चन कराए थे, तो पीएच की वैल्यू लेस देन 7 है। और आपने देखा था, कोई पूछे सर उस लेस देन 7 की वैल्यू क्या है, आपने बोला था 7 माइनस पीकेबी बाई 2। बहुत प्यारा, आप सही बोल रहे हो। लॉग सी बाई 2, लॉग सी अलग है, बाई 2 अलग है। प्रैक्टिस आप कर चुके हो, ठीक है? ये हमने आपको कराया है प्रैक्टिस, थोड़ा डेरिवेशन पे भी गए थे लास्ट क्लास में, रिकॉर्डिंग अपलोड नहीं हो पाई, आज इसकी वाली कर देंगे, ठीक है? चुपचाप देखना। फिर आता है तुम्हारे पास कि वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, इसका कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। तो क्वालिटेटिवली इसका नेचर क्या होता है दोस्त? बेसिक होता है क्वालिटेटिवली। इसका मतलब पीएच की वैल्यू क्या होती है? ग्रेटर देन 7। और ग्रेटर देन 7 का मतलब क्या है दोस्त? 7 प्लस, ऐसे ही बोला करो तो सही रहता है, पीकेए बाई 2 प्लस लॉग सी बाई 2। ठीक है दोस्त, तो ये आपने देखा क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली इसकी वैल्यू। प्रैक्टिस आपको हम बार बार बोल रहे हैं, कल ही आप कर चुके हो, काफी क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करवाए थे, कर चुके हो ना भैया। और लास्ट में आता है दोस्त वीक एसिड प्लस वीक बेस। तो फॉर्मूले पे जो क्वेश्चन आपने देखा था, इसमें क्या कह सकते हैं? कांट से कुछ नहीं कह सकते हम लोग, वो डिपेंडिंग अपॉन एसिड और बेस। तो पीएच की वैल्यू ग्रेटर देन भी हो सकती है, इक्वल भी हो सकती है, लेस भी हो सकती है 7 से। लेकिन अगर आप लोग फॉर्मूला देखोगे इसका, फॉर्मूला तो फॉर्मूला इसका पीएच का अगर आप देखोगे, तो जिसको भी प्रॉब्लम होती है वो ऐसे करेगा, इन दोनों फॉर्मूलों का एवरेज ले लो, इन दोनों फॉर्मूला का एवरेज ले लो, तो एवरेज लोगे तो 7 का एवरेज क्या आएगा? 7। और ये पीके बाई 2 और पीकेबी बाई 2, इनका एवरेज लोगे तो पीके ए प्लस में आएगा, माइनस पीकेबी आएगा, अपॉन क्या आएगा? 2। और मेरे दोस्त एक बात बताओ, लॉग सी ए प्लस माइनस इसका एवरेज क्या लोगे? तो 0 आ जाएगा। तो भाई इन केसेस में आपका फॉर्मूला ऐसे बन जाएगा, इन केस अगर किसी को प्रॉब्लम होती हो तो। इससे ज्यादा छोटी ट्रिक और क्या हो सकती है कि 7 माइनस 7 प्लस, 7 में सब माइनस, 7 में सब प्लस, हो ये नीचे वाला फॉर्मूला, ठीक है? इन पे आपने क्वेश्चंस कर लिए थे, तो पेज नंबर 11 पे हमने कल क्वेश्चन कराए थे पैकेज में, पेज नंबर 12 पे भी कराए थे, पेज नंबर 13 पे जब आए थे आप लोग, पैकेज वाले क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, याद है आपको? उसमें सबसे लास्ट के चार क्वेश्चन जो थे उसमें, सुनो, पीएच के साथ साथ डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस भी पूछा था। मतलब हम आपको डेरिवेशन की इंपॉर्टेंस बताना चाहते हैं, समझ में आ रहा है दोस्त? अरे पैकेज अभी ना निकालो, करा देंगे। डेरिवेशन की इंपॉर्टेंस बताना चाहते हैं। डेरिवेशन की इंपॉर्टेंस का मतलब यह है कि कभी कभी आईआईटी वाले बीच में भी क्वेश्चन पूछते हैं। भाई क्या होता है कि भाई बहुत ज्यादा चांस है कि वो लोग फॉर्मूले पे पूछेंगे, एक एसिड बेस का कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन है, पीएच की वैल्यू पूछेंगे, पीओएच की वैल्यू पूछेंगे, एच प्लस की वैल्यू पूछेंगे, ओएच माइनस की वैल्यू पूछेंगे। लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी है दोस्त कि वो पूछ लें डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस क्या होगी, बोलोगे सर ये तो फॉर्मूले में आता नहीं, अब क्या करें हम? इसका मतलब डेरिवेशन का पार्ट है ना, वो डेरिवेशन की इंपॉर्टेंस तो समझो। देखो जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो हम आपको बता दें, मतलब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन फॉर्मूले से हो जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि डेरिवेशन पे क्वेश्चन नहीं आया, मेन में भी आया, एडवांस में भी आया, दोनों में आया हुआ है। तो डेरिवेशन एक एक करके बताते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में, जो स्ट्रॉन्ग एसिड का एच प्लस के अलावा बचा हुआ पार्ट और स्ट्रॉन्ग बेस का ओएच माइनस के अलावा बचा हुआ पार्ट, वो स्पेक्टेटर आयन होता है, उसका डेरिवेशन करवा चुके हैं, समझ रहे हो? तो डेरिवेशन हम आपको बताने जा रहे हैं, या कैलकुलेटिंग पीएच इन केस ऑफ कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ वीक, ऐसे स्टेप बाय स्टेप करवाने जा रहे हैं, ठीक है? ये समझ गए, कॉपी कर लिया इसको आप लोगों ने, क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हो चुकी है। आज हम डेरिवेशन करके जो बीच के स्टेप्स में क्वेश्चन पूछता है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस क्या होगी, है ना, और क्या होगा, वो सब बताने जा रहे हैं। लिखिए, हेडिंग लिखिए,
स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस हो चुका है, हम बता रहे हैं आपको हो चुका है, ठीक है। लिखिए दूसरा वाला, कैलकुलेटिंग पीएच, कैलकुलेटिंग पीएच एंड पीओएच इन कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस ऑफ, इन कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ, कैलकुलेटिंग पीएच एंड पीओएच इन कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस, कैलकुलेटिंग पीएच एंड पीओएच इन कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन अगर आप देखोगे तो पीएच एंड पीओएच की वैल्यू बताने जा रहे हैं आपको, डेरिवेशन बताने जा रहे हैं ना भैया, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का है ना दोस्त। सपोज करो लेट वीक एसिड इज एसिटिक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस इज NaOH, मान लेते हैं एसिटिक एसिड वीक एसिड ले लो और स्ट्रॉन्ग बेस मान लो NaOH CH3COOH, सपोज करो आपके पास वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है NaOH, ये दोनों जब रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे भैया, CH3COONa और प्लस H2O, ये बनेगा। कोई बोले सर अगर आप कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन की बात कर रहे हो तो एसिटिक एसिड पूरा फिनिश हो गया होगा, NaOH भी पूरा फिनिश हो गया होगा, फाइनली कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन के बाद सॉल्यूशन में बचेगा क्या, बहुत प्यारा, ये सॉल्ट बनेगा CH3CONa और वाटर, यही तो बचेगा। तो क्वालिटेटिवली इसी दोनों के मिक्सचर का रेशियो, इन्हीं दोनों के मिक्सचर का जो ओवरऑल रिजल्ट है वही तो बेसिक है। आपने बोला है कि एसिटिक एसिड और NaOH जब कम्प्लीटली एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं तो ओवरऑल उसका नेचर बेसिक होता है, तो ओवरऑल अगर उसका नेचर बेसिक होता है तो फाइनली जो बचेगा वही तो रिस्पॉन्सिबल होगा पूरे सॉल्यूशन को बेसिक करने में। yes, sir. तो जो एसिटिक एसिड है और H2O है यही दोनों मिलकर ओवरऑल सॉल्यूशन को बेसिक बनाएंगे। कोई बोले सिर्फ अगर सर वाटर होता तो इसका मतलब वाटर होता तो पीएच की वैल्यू 7 आती, तो ये जो दोनों मिलकर ओवरऑल सॉल्यूशन को बेसिक बना रहे हैं इनमें भी वाटर का कोई रोल नहीं है, क्योंकि वाटर, समझ में आ रहा है, वाटर की वजह से तो वो रोल नहीं आ रहा है बेसिक वाला। इसका मतलब ये एसिटेट कुछ खुराफात कर रहा है, CH3CO- जो लिखा हुआ है इसकी वजह से कुछ सॉल्यूशन में कुछ लोचा हो रहा है, यही तो रिस्पॉन्सिबल है फिर बेस मेंटेन करने के लिए। तो हम लोग बोलते हैं इसी प्रोसेस को, हाँ दोस्त इसी को बोलते हैं सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। रुको अभी एक मिनट, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस कोई बोले क्या मतलब है, हम ये बोलना चाहते हैं कि जो CH3COO- है ये CH3CO- वाटर से एच खींचेगा और बना देगा ये CH3COH, रुकना भी, और साथ में रिलीज करेगा OH- और इसी रिलीज OH- की वजह से पूरा सॉल्यूशन अल्कलाइन है। भाई कोई पूछे सर आपने NaOH और एसिटिक एसिड इक्विमोलर ले लिए, दोनों को मिला दिया, पूरा सॉल्यूशन का कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो गया, पूरा सॉल्यूशन का क्वालिटेटिवली नेचर कैसा है, बेसिक है, तो बेसिक के लिए क्या सोचोगे, ना तो एसिटिक एसिड बचा ना NaOH बचा, बचा क्या वाटर और ये, तो पूरे बेस पूरे सॉल्यूशन को बेसिक करने के लिए वाटर तो करेगा नहीं, वाटर को अगर सॉल्यूशन को बनाना होगा न्यूट्रल बनाएगा ना, इसका मतलब ये एसिटेट आयन ही है, उसमें Na+ कुछ नहीं कर सकता क्योंकि स्पेक्टेटर आयन है, आपको पहले ही बता चुके हैं स्पेक्टेटर आयन रिएक्शन को सिर्फ होते हुए दिखते हैं, पार्टिसिपेट नहीं करते, तो इसका मतलब ये एसिटेट आयन जो है यही कुछ कर रहा होगा, वो क्या कर रहा होगा, Na+ से तो रिएक्शन कर नहीं सकता। अब दो ही चीजें बची, एक तो हुआ एसिटेट आयन, एक हुआ वाटर, यही दोनों तो रिस्पॉन्सिबल है पूरा पीएच मेंटेन करने के लिए। तो एसिटेट आयन क्या है, इसको बड़ा प्राउड है कि भैया वीक एसिड एसिटिक एसिड है उसके हम कंजुगेट बेस हैं, तो किसी भी वीक एसिड का कंजुगेट बेस क्या होता है, स्ट्रांग होता है, तो बोलेगा हम स्ट्रांग बेस हैं रिलेटिवली, तो अब उसको लगेगा हम वाटर से H+ खींचेंगे, वाटर बोलेगा हम भैया हम मतलब हमारा 10^-7 H+ देते हैं, 10^-7 OH- देते हैं, उससे ज्यादा नहीं देंगे, अगर हमको डिसोशिएट कराना है वाटर बोलेगा तो हमारा टेम्परेचर बढ़ाओ, पीएच स्केल 3 टेम्परेचर में बताए हैं, 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 से लो टेम्परेचर, 25 से हाई टेम्परेचर, तभी तो H+ चेंज होता था वाटर का। लेकिन एसिटेट जिद पड़ जाएगा, भाई हम बेस है वीक एसिड का कंजुगेट बेस है, हम स्ट्रांग है, हमें H+ चाहिए, तो ठीक है थोड़ा थोड़ा दे देगा, थोड़ा थोड़ा दे देगा, तो जो H+ आएगा वो एसिटिक एसिड के फॉर्म में कंज्यूम हो जाएगा, एसिटिक एसिड फर्दर डिसोशिएट ऑलमोस्ट 1-2% करता है, 3%, ठीक है, उसका अल्फा शुरू से ही जानते हो नेग्लेक्टेड होता है, तो ठीक है एसिटिक एसिड एसिटेट ले लेगा, लेकिन फिर H2O जो है वो OH- पूरे सॉल्यूशन में फर्निश करेगा और इससे रिलीज्ड OH- की वजह से पूरा सॉल्यूशन अल्कलाइन होता है,
सॉल्ट हाइड्रोलिसिस क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें जो सॉल्ट बना हुआ है वो वाटर से रिएक्शन कर रहा है। जब भी कोई चीज वाटर से रिएक्शन करती है तो हाइड्रोलाइज होना बोलते हैं उसको, इसीलिए इसको बोलते हैं सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। समझ रहे हो भैया? तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस इसे बोलते हैं। फिर देखिए, तो ये पूरी की पूरी चीज जो है, ये पूरी इक्वेशन ये होती है। अभी सुनो 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 सुनो, कोई बोले अच्छा सर अगर ये सी मोलर है, कोई बोले इनिशियली ये सी मोलर था, ठीक है, वाटर से रिएक्शन कर रहा है, वाटर की मोलारिटी कितनी होती है 55.55, तुम कुछ भी कर लो 10^-7 से ज्यादा 10^-6 हो जाएगा, लेकिन 55.55 के कंपैरिजन में तो बहुत कम रहेगा। तो इसका अमाउंट हमेशा कांस्टेंट रहेगा, तो इसमें इंक्रीज डिक्रीज ना लिखें तब भी चलेगा, क्योंकि इसकी जगह पे जो भी होगा एक कांस्टेंट वैल्यू हमेशा आने वाली है। तो जिसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होती है, जैसे प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड के एक्टिव मासेस हमेशा 1 लिखे जाते हैं, आपको बताया, तो इसकी इसका हमेशा एक्टिव मास या मोलर कंसंट्रेशन की जगह वाटर की जगह जब कभी चेंज ही नहीं हो रहा है उसकी जगह 1 लिख देंगे, 1 लिखेंगे भैया। हाँ तो दोस्त इसकी जगह सी, कोई बोले सर इसमें से थोड़ा रिएक्ट कर गया C-CH, कोई बोले सर इसमें से भी रिएक्ट कर गया होगा, इसकी मोलारिटी 55.55-CH, अबे बहुत कम होता है ये CH की वैल्यू, ना ही लिखो तो ज्यादा सही है, कहीं लिखा नहीं जाता, क्योंकि उसका अमाउंट वाटर से कितना ले लोगे भैया, वो आयनाइज वैसे ही नहीं करता। तो कोई बोले ये कितना बना CH और ये कितना बना CH, रुकिए अभी, कोई बोले H क्या है, सी अल्फा क्यों नहीं बोला, जैसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा होता था, इसको H को बोलते हैं डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, तो H के लिए बोला जाता है ये है डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, रुकिए अभी, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। और एक चीज सुनो तो अभी, और अंडरस्टूड है कि एच की वैल्यू इज वेरी मच लेस देन 1, कोई बोले इतना आपने वेरी मच लेस देन 1 क्यों कह दिया, अरे ठीक है एक आध बारी बना लो, वेरी मच लेस देन 1 मतलब यह है कि 0.1 से भी बहुत छोटा होता है। क्यों दोस्त? क्योंकि तुम एक जिस एक ऐसे बेस को जिसको सिर्फ कॉन्फिडेंस है कि हम स्ट्रॉन्ग बेस हैं, वो वाटर को आयनाइज करने की कोशिश कर रहा है, वाटर का आयनाइजेशन सिर्फ टेम्परेचर से बढ़ता है, कितना भी स्ट्रॉन्ग बेस ले लो आयनाइज नहीं कर पाएगा, तो बस ये अटेम्प्ट कर रहा है कि हम इसको आयनाइज कर लेंगे, तो थोड़ा बहुत थोड़ा ही तो कर पाएगा, तो इसमें से बहुत थोड़ा जाएगा और उतना ही वाटर में से जाएगा। भाई ये थोड़ी सी वैल्यू क्या है, जो वाटर H+ दे रहा होगा उतनी तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन जा रही होगी, तो क्या वाटर H+ बहुत ज्यादा दे रहा होगा क्या, बहुत कम दे रहा होगा, इसलिए बोला है बहुत कम वाटर आयनाइज हो रहा होगा, इसलिए H की वैल्यू इन ऑल केसेस पूरी केमिस्ट्री में अगर वर्ड लिखा हो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस वर्ड इटसेल्फ अपने आप में बता रहा है कि उसकी वैल्यू वेरी मच लेस देन यूनिटी है। समझ में आ रहा है? डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस इन ऑल केसेस इज ऑलवेज हमेशा वेरी मच लेस देन यूनिटी, क्योंकि डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस में एन अटेम्प्ट इज मेड टू आयनाइज वाटर बाय यूजिंग एन आयन, आयन को यूज करके वाटर को आयनाइज नहीं कर सकते, एक अटेम्प्ट मार रहे हो तुम लेकिन वाटर फिर भी आयनाइज नहीं करेगा, प्रैक्टिकल चीज तो यही होती है। वाटर का आयनाइजेशन 3 पीएच स्केल तभी तो बताया था 3 टेम्परेचर पे, इसलिए बोलते हैं कि एक केस में नहीं हर केस में हाइड्रोलिसिस हमेशा बहुत कम होती है, हर केस में कोई आयन होगा जो वाटर से बोलेगा हमको एच दो या ओ एच दो हम आयनाइज करेंगे तुम्हें, वाटर बोलेगा साली टेम्परेचर सेम होंगे तुमसे थोड़ी होंगे, तो थोड़ा बहुत ही जाएगी रिएक्शन फॉरवर्ड, इसलिए हर केस में डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस की वैल्यू लेस देन 1 इस केस में नहीं, अभी के बाद जितनी हाइड्रोलिसिस पढ़ाएंगे हमेशा एच की वैल्यू वेरी मच लेस देन 1। कोई बोले सर क्या 1% होगी, नहीं 1 से भी बहुत कम, परसेंट में देखोगे ना तो 0.1% हो सकती है, अल्फा की वैल्यू 0.01 नहीं 0.001 0.002 ऐसे करके आती है एच की वैल्यू, 0.1 से तो बहुत छोटी होती है, बहुत छोटी होती है, मतलब हमेशा 1 के कंपैरिजन में नेग्लेक्ट हो सकती है, ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है दोस्त। अभी सुनो, तो कोई बोले अच्छा सर ये रिएक्शन हो गई, इसी रिएक्शन इसी फर्निश जो OH- या रिलीज OH- की वजह से पूरा सॉल्यूशन बेसिक आ रहा है, इसी रिलीज OH- की वजह से, कोई बोले ठीक है इसका कोई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा, उस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू को हम लिख देते हैं KH, कैपिटल K लिखते हैं दोस्त और लिखते हैं H, KH इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू क्या आएगी अगर लिखोगे, कोई बोले क्या है भैया कोई एसिड बेस रिएक्शन नहीं है, क्या लिखोगे प्रोडक्ट C3COH into OH minus upon CH3CO minus, कोई बोले वाटर लिखेंगे, अरे वाटर का एक्टिव मास 1 मान लो, वाटर की जगह पे 1 लिख दो, क्योंकि उसको हम पहले ही केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा चुके हैं, अगर प्योर सॉलिड या प्योर लिक्विड या कोई ऐसी स्पीशीज जिसका अमाउंट चेंज ही ना हो रहा हो थ्रू आउट द केमिकल रिएक्शन, थ्रू आउट द कोर्स ऑफ केमिकल रिएक्शन,
तो उसकी वैल्यू हमेशा कॉन्स्टेंटली आती है। उस कॉन्स्टेंट को ले जाके नए कॉन्स्टेंट में मिला देते हैं तभी तो एक के एच बनेगा, ऐसे किया है। नहीं लेना चाहते हो भी बताएंगे, यहाँ वाटर लेके भी बताएंगे, आंसर सेम आएगा, ठीक है दोस्त। लेकिन इसकी वैल्यू हमेशा कॉन्स्टेंट रहने वाली है, ये समझ में आ गया। कोई बोले सर हमको सब कुछ समझ में आ रहा है, ये सी एच, तो आप इसकी वैल्यू क्या लिखोगे, सी एच मल्टीप्लाइड बाई सी एच अपॉन सी इंटू वन माइनस एच, ठीक है। तो ये वन माइनस एच को वन लिख सकते हैं, तो के एच की वैल्यू जो आ रही है एक्चुअली में वो के एच की वैल्यू सी एच स्क्वायर आ रही है। ऑनलाइन वालों तुम लोग हेलो अवेलेबल हो? यस ऑनलाइन वाले में हाँ ठीक है, सी एच स्क्वायर हो गया। यस सर। हाँ दोस्त, एच की वैल्यू क्या आएगी, क्या अंडर रूट के एच बाई सी आएगी, एच की वैल्यू अंडर रूट के एच बाई सी, एच की वैल्यू आ गई अंडर रूट ऑफ के एच बाई सी। और सुनो दोस्त, कोई बोले यहीं से इंप्लाई करके बता रहे हैं, आपने डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस निकाल दिया, अब आपको समझ में आएगा। एक बार हमने आपको बताया था ना लास्ट क्लास में जो क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस करवा रहे थे, आईआईटी वाले क्वेश्चन जिसमें पीएच के साथ साथ डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस पूछा था, आप समझे कैसे निकालोगे डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, ये अंडर रूट के एच बाई सी से। अभी भी इशू ये है कि सर ये के एच क्या होता है, यही तो इशू फंसेगा अभी। एक और चीज देखो, ओ एच माइनस यहीं से निकालना हो अगर हमें, सुनो तो भैया इस ओ एच माइनस की वैल्यू क्या होती है, क्या सी एच के बराबर होगी, और एच आप निकाल चुके हो अंडर रूट ये, तो यहां से ओ एच माइनस जो आएगा अंडर रूट सी के एच। तो अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछ ले, सुन आईआईटी वाले में जैसे कल हमने आपको क्वेश्चन कराया था तो पूछा भी था कि भैया एच प्लस या ओ एच माइनस की वैल्यू बताओ या डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस बताओ, तो ये दोनों आंसर्स आ रहे हैं लेकिन ये सब के एच के टर्म्स में आ रहे हैं, तुम्हें के एच ही तो नहीं पता अभी तक, जानते हो कि नहीं जानते हो, इतना पहुंच गए। कोई बोले सर आपने सब कुछ सही बता दिया, ये सब हमको समझ में आ गया, लेकिन हमको ये नहीं पता के एच क्या होता है, के एच के लिए हम अलग कुछ डिराइव करने जा रहे हैं, रुक जाओ। इतना पहुंच गए सब लोग, कॉपी कर लिया ऑनलाइन वाले, जल्दी कॉपी करो, जल्दी कॉपी करो, इतना पहुंचो हम अब बता रहे हैं, कैलकुलेटिंग के एच अलग से बताएंगे ना, जल्दी इसको करिए, इसको कॉपी करो। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस तक पहुंच चुके हो, लेकिन आईटी वाले जब पूछते हैं डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस बताओ तो के एच तुम्हारे रास्ते में रोड़ा आ रहा है, तो कैलकुलेटिंग के एच अलग से बता देते हैं कैसे निकाला जाता है के एच। किसी भी सॉल्ट के हाइड्रोलिसिस में उस सॉल्ट का के एच कैसे निकाला जाता है वो बताने जा रहे हैं, पहले इतना कॉपी कर लो, यहां तक पहुंच जाओ सब लोग, यहां तक ऐसे पहुंच जाओ, तो हम के एच निकालने के लिए कुछ अलग से बता रहे हैं आपको क्या होता है। देखते रहे ना भैया, इतना तक कॉपी कर लिया था दोस्त। yes, sir. अब कहीं अब जहां भी हो मेन उससे में लिखो कैलकुलेटिंग के एच है ना, फॉर अ सॉल्ट अंडरगोइंग हाइड्रोलिसिस, उसी में है इसी में, कैलकुलेटिंग के एच फॉर अ सॉल्ट, कैलकुलेटिंग के एच फॉर अ सॉल्ट विच अंडरगोज हाइड्रोलिसिस। Calculating KH for a salt which undergoes hydrolysis. समझ रहे हो भैया? Which undergoes hydrolysis. देखो दोस्त, हम दो equations लिख रहे हैं। हम ये बोल रहे हैं acetic acid का अगर Ka, जैसे ये equation है, यहाँ देखो, रुक जाओ अभी, अब बस देखो, अगर इस acetic acid का Ka लिखा जाए दोस्त, Ka, online वालों अगर छोटा दिखे तो बताना, ये Ka अगर लिखा जाएगा तो इस के ए की वैल्यू को क्या तुम सी एच थ्री सी ओ ओ माइनस इंटू, हाँ बहुत बढ़िया, एच प्लस अपॉन सी एच थ्री सी ओ एच लिखोगे, बहुत बढ़िया दोस्त, ये लिखोगे। हम आपसे पूछे दूसरी इक्वेशन में के डब्लू लिखना हो, के डब्लू क्या लिखोगे, एच प्लस इंटू ओ एच माइनस होता है, बताओ ये दोनों इक्वेशंस के लिए ट्रू है? yes,
इतना समझ में आ गया। टूट क्या सर, समझ गया दोस्त। अच्छा ये के डब्ल्यू और के निकाल लिया आपने। अगर हम इन्हीं दोनों की हेल्प से आपसे ये पूछे, जरा हमारा मन कर रहा है ऐसे ही कि तुम के डब्ल्यू अपॉन के ए का रेशियो निकालो क्या आएगा इन्हीं दोनों इक्वेशन से। के डब्ल्यू अपॉन के ए को डिवाइड कर दो, के डब्ल्यू वाले एक्सप्रेशन को के ए से डिवाइड कर दो तो न्यूमरेटर में क्या आएगा। के डब्ल्यू और के ए को डिवाइड करोगे न्यूमरेटर में क्या आएगा, H3COO है? साले डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, एच आएगा। हाँ तो ऐसे बताया करो ना यार, तुम लोग दोस्त बताते नहीं हो। और ऊपर OH माइनस आ गया और C3CO ये आएगा। भाई ये क्या है, ये एक्सप्रेशन क्या है, KH वाला, KH वाला एक्सप्रेशन यही है। तो इसका मतलब ये KW अपॉन KA की वैल्यू तो KH के बराबर आ रही है। तो जो आपका इशू था, इशू समझ रहा हूँ, ये के एच की वैल्यू एक्चुअली में के डब्ल्यू अपॉन के ए के बराबर आ जा रही है। नहीं आया ऑनलाइन वालों, समझ में आ रहा है के एच क्या है और के डब्ल्यू? तो ये के एच की वैल्यू एक्चुअली में के डब्ल्यू अपॉन के ए हो गई। इशू सॉल्व हो गया। तो जो के एच आप अननोन सोच रहे थे उससे छुटकारा मिल गया। यहां तक पहुंचो फिर यहां पे आओ, OH माइनस से आते हैं। तो इस केस में OH माइनस की वैल्यू अगर आप देखोगे तो OH माइनस की वैल्यू जो आएगी क्या, अंडर रूट ऑफ C टाइम्स जो के एच हुआ करता था उसकी जगह के डब्ल्यू अपॉन के ए पुट करोगे। अच्छा तुम लोग वहीं अटके हो क्या अभी? चलो हम यहाँ लिख देते हैं, ये ऑनलाइन वालों दिख रहा है तुम लोगों को, बहुत छोटा दिख रहा है जगह, बहुत प्यारा दोस्त। इधर देखो, इधर सुनो, अरे के एच की वैल्यू आ गई के डब्ल्यू अपॉन के। तो मेरे दोस्त एक बात बताओ, OH माइनस क्या होता है, कि अंडर रूट सी के एच होता है? तो अगर दोस्त ये अंडर रूट सी के एच होता है तो के एच की जगह आप पुट कर दो वो, तो क्या अंडर रूट सी के डब्ल्यू अपॉन के आएगा, यही आएगा ना OH माइनस। आपको समझ में आ रहा है? अब एक काम कर दो, इसका दोनों साइड लॉग ले लो। सुनो भाई जल्दी, फिर साले अड़ता आ रहा हूँ। OH माइनस आ गया अंडर रूट सी के एच, के एच की वैल्यू के डब्ल्यू अपॉन के आएगी। अब तुम एक काम करो, दोनों साइड लॉग ले लो। तो लॉग ले लोगे तो क्या आ जाएगा लेफ्ट साइड? अरे लॉग लेने से कब से साले पीओएच आने लगा? लॉग लेके सिर्फ पीओएच नहीं आता, आएगा पहले लॉग OH माइनस, अभी जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तब पीओएच आएगा। इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स अंदर लॉग क्या क्या आएगा, लॉग सी प्लस लॉग के डब्ल्यू माइनस लॉग के ए। ऑनलाइन वालों दिख रहा है, बहुत छोटा तो नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। हाँ तो बताते रहना, तुम ही लोग को ज्यादा दिक्कत होती है, ऑफलाइन वाले तो दिख जाता है उनको अगल बगल से। लॉग लोगे दोनों साइड तो क्या आ जाएगा, ये लॉग सी प्लस लॉग के डब्ल्यू माइनस लॉग के ए, यही आएगा दोस्त। इतना समझ गए? अब दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस लॉग OH क्या आ जाएगा, POH, ठीक। और इस साइड क्या जाएगा, 1/2 टाइम्स, 1/2 बाहर ही रखो अभी, लॉग सी में तो कुछ नहीं, माइनस लॉग सी आ जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई क्यों, माइनस लॉग सी, माइनस लॉग के डब्ल्यू को पी के डब्ल्यू बोलते हैं, पी के डब्ल्यू बोलेंगे ये माइनस लॉग। अब तुम लोग ऑनलाइन और लिखना नहीं, सिर्फ देखो, नहीं तो भी बहुत हचपच हो जाएगा। माइनस लॉग के डब्ल्यू आएगा, उसको लिख दिया हमने प्लस पी के डब्ल्यू, और ये माइनस लॉग के ए पहले से है, माइनस लॉग के ए का मतलब क्या हो जाएगा, पी के ए, लेकिन एक माइनस आएगा तो क्या माइनस पी के ए लिखोगे,
ऑनलाइन वालों कुछ हाँ ना बोल नहीं रहे तुम लोग साले, अभी डिस्कनेक्ट कर देंगे तुम लोग को, समझ में आ रहा दोस्त? यस सर। हाँ तो ये हो गया दोस्त माइनस पीके। तो दोस्त एक बात बताओ, पीके डब्ल्यू की वैल्यू क्या होती है? 14 होती है। अब सुनो सुनो, हम इसमें हमारे पास जगह नहीं, इसलिए हम इसको शॉर्ट में यहीं पे वाइंड अप करेंगे, इसको बहुत जल्दी देखना। एक काम करो, जहां पे पी ओ एच है, अच्छा आपको ये पता है पी एच प्लस पी ओ एच की वैल्यू 14 होती है, अब पी ओ एच की वैल्यू 14 माइनस पी एच लिख सकते हो, या पी ओ एच की वैल्यू पी के डब्ल्यू माइनस पी एच लिख सकते हो? पी ओ एच की वैल्यू, अरे पी एच प्लस पी ओ एच होता है पी के डब्ल्यू, तो पी ओ एच की वैल्यू लिख सकते हैं पी के डब्ल्यू माइनस पी एच, और पी के डब्ल्यू जब इधर से इधर आएगा तो ये पी के डब्ल्यू बाई टू है, ये पी के डब्ल्यू है, पी के डब्ल्यू माइनस पी के डब्ल्यू बाई टू, तो क्या पी के डब्ल्यू बाई टू आएगा? तो फाइनली इसका आंसर हम पी एच का जो निकालेंगे, रुक जाना फाइनली पी एच का आंसर, वो जो पी एच का आंसर है तुम्हारा वो ये आ रहा है, रुक जाओ अभी, वो आ रहा है पी के डब्ल्यू बाई टू प्लस पी के ए बाई टू माइनस लॉग सी होल डिवाइडेड बाई टू, और पी के डब्ल्यू बाई टू का मतलब 7 ही तो होता है। yes, sir. अरे पी के डब्ल्यू की वैल्यू 14 होती है, तो पी के डब्ल्यू बाई टू की वैल्यू 7 होगी, तो जो कल हमने आपको फॉर्मूला बताया था ये ओवरऑल सॉल्यूशन का नेचर बेसिक होगा, और बेसिक होगा तो 7 प्लस पी के ए बाई टू प्लस लॉग सी बाई टू, यही तो आएगा। yes, ये माइनस लॉग सी है, सॉल्यूशन बेसिक होगा, 7 से ज्यादा पी एच आएगा। Yes, यहाँ पे आया था पी ओ एच की जगह, सुनो पी ओ एच की जगह तुमने पुट किया था पी के डब्ल्यू माइनस पी एच, पी एच को इधर ले आओ तो लॉग सी उधर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, और ये वाला भी उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, और ये आंसर आ जाएगा, सब कुछ प्लस में है, पी के डब्ल्यू बाई टू प्लस पी के ए बाई टू प्लस लॉग सी बाई टू, और पी के डब्ल्यू बाई टू को हमने 7 लिख दिया था, तो क्या यहाँ से प्रूव हो रहा है कि किसी भी वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बने हुए सॉल्ट का पीएच 7 प्लस पी के ए बाई टू प्लस लॉग सी बाई टू आएगा, और किसी भी वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बने हुए सॉल्ट का जो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस है वो अंडर रूट ऑफ के एच अपॉन सी आएगा, और के एच की वैल्यू के डब्ल्यू अपॉन के ए आएगा। yes. नहीं समझे? yes, सी तो कंसंट्रेशन है। डेरिवेशन yes. समझ में आया? आईआईटी yes. वाले क्या है वो एच पे क्वेश्चन पूछते हैं, एडवांस वाले, मेंस वाले क्या है वो फॉर्मूले पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो हमने इसलिए पिछली क्लास में 10-15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन जो भी थे आपको जितने भी कराए थे वो सारे फॉर्मूले पे करा दिए थे, रिकॉर्डिंग उसकी अपलोड हो नहीं पाई, वो डिस्कनेक्ट हो जाता था ना बार बार, लेकिन आप लोग कर तो लिए हो ना, अगर देखना हो रिकॉर्डिंग तो हमने 12th पास बैच में किसी बैच में पढ़ाया था, उसकी रिकॉर्डिंग राहुल सर ने अपलोड की हुई है, उस पर प्ले लिस्ट में जाके देख लेना, उसमें कहीं होगी, है ना, अगर किसी को कल वाली क्लास देखनी ही है तो, क्योंकि वो किसी बैच दूसरे बैच में पढ़ाया होगा ना भैया, ये सबको दिख रहा है छोटा छोटा है लेकिन समझ में तो आ रहा है ये। yes, हाँ तो जल्दी इसको कॉपी करो, फॉर्मूला देखो हमने भाई 7 की जगह पी के डब्ल्यू बाई टू लिख दिया, जल्दी करो दोस्त। ये फैन बंद कर दो यार तुम, मैं बहुत, और एसी भी चला रखे हो, फैन भी चला रखे हो, खतरनाक भाई, तुमको ठंडी वंडी नहीं लगती क्या? ये कॉपी करो, तो आपको डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस भी पता लग गया किसी भी सॉल्ट का जो हाइड्रोलिसिस कर रहा है, जल्दी कॉपी करो भैया, आप समझे आप लोग उसी में। एक और चीज सुनो, उसी में जब हम लॉग सी में बोलते थे कंसंट्रेशन, तो इसका मतलब सी कंसंट्रेशन उस सॉल्ट का होता है जो हाइड्रोलिसिस कर रहा होता है, उसके स्पेक्टेटर आयन से थोड़ी मतलब होता था। yes. जैसे हमने कल कैल्शियम एसिटेट दिया था, कैल्शियम एसिटेट 1.1 मोलर दिया था, तो तुम एसिटेट को भी 0.1 मान लेते थे, एसिटेट 0.2 मोलर हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोलिसिस कैल्शियम थोड़ी करेगा, कैल्शियम थोड़ी एसिटेट कर रहा है ना हाइड्रोलिसिस, याद है पिछली क्लास वाले जो तुम लोग के डाउट्स आते थे? हाँ दोस्त बहुत बढ़िया, ये बताओ इसमें कोई डाउट है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में है बच्चा? हाँ बहुत बढ़िया दोस्त, ऑनलाइन वालों तुम लोग नहीं बताओगे,
क्लियर हम बार बार बता रहे हैं दोस्त, आई टीम सिलेक्शन बहुत इजी हो गया, बस राइट आदमी तुम्हारे पास हो जो सही डायरेक्शन दे और तुम लोग राइट ट्रैक पे वर्क करो। दो साल पहले जिस रैंक पे आईआईटी में एडमिशन नहीं होता था, आज अच्छे आईआईटी बीएचयू तक मिल जा रहा है एडमिशन। आईआईटी कानपुर में सिरेमिक्स मिल जा रही है, ठीक है, अपग्रेड कर सकते हो सिरेमिक्स से सिविल मैकेनिकल, सिविल विल में केमिकल में आराम से पहुंचा जा सकता है, ऐसा हो रहा है। और वो बेनिफिट ठीक है बॉयज गर्ल्स दोनों को हो रहा है भाई। गर्ल्स कोटे की वजह से तो गर्ल्स को तो बस ये है कि एडवांस को क्वालिफाई कर ले, पीसीएम में कट ऑफ निकाल ले और हो जाए उनका, हो जाएगा भाई। गर्ल्स की 20,000 रैंक, बॉयज की 12,000 रैंक बराबर हो गई है, 12-13,000 रैंक। तो 12,000 पहले हम जानते हैं तुम्ही लोग के स्कूल के ऐसे 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 बच्चे होते थे जिस साल हमने पढ़ाया ना, हर बच्चे की रैंक 10,000-12,000 आती थी आई टी में, लेकिन बच्चे को आई टी नहीं मिलता था। मतलब 100% तुम्हारे स्कूल के जो बच्चे होंगे सबकी हमने दिया हुआ है, एक आध दो को छोड़ के सब एडवांस क्वालिफाई करते थे, लेकिन सबकी रैंक ऐसे 18 के पहले बता रहे हैं, 2018 के पहले 17-18 तक किसी की 10,000 आ गई बॉयज में। गर्ल्स में तुम्हारे स्कूल के जितने भी पढ़े होंगे, तुम लोग के हर स्कूल के हो, तुम लोग जानते हो बॉयज गर्ल्स सबकी रैंक ठीक ठाक आती थी, लेकिन बेचारों को आईटी मिलता नहीं था। पिछले दो साल से ये जो कोटा और सीट्स बढ़ गई, नई नई ब्रांचेस आईटी में आ गई, देख रहे हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नई ब्रांच कई आईटी ने इस बार ओपन कर दी, डेटा स्ट्रक्चर ओपन कर दिया है ना, और कई कई भाई 3D वाले ये सब और सब एनिमेशन वाले सब ओपन कर दिया आईआईटी वालों ने ब्रांचेस, इतनी सीट्स बढ़ गई हैं। अगर अब तुम बेनिफिट नहीं उठा पाए तो अगले 10 साल तक सीटें नहीं बढ़ने वाली, क्योंकि सारी तो बढ़ा दी गई ना, अब किसी पे काम चलेगा। सबसे ज्यादा बेहतरीन जिंदगी तुम्हारी यही है, लकी हो तुम लोग, कोविड की वजह से भले ही इस टाइम दिक्कत चल रही है लेकिन लकी समझो अपने आप को। और दोस्त तुम नहीं मेहनत करोगे दूसरा तो करेगा ही, समझ रहे हो। चलो लिखो, ये समझ गए हाइड्रोलिसिस वाला, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस निकाल लोगे, अरे अंडर रूट के एच बाई सी, और के एच की वैल्यू क्या है, के डब्ल्यू अपॉन के है। तो जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए तुम लोग को देते हैं सप्लीमेंट्री असाइनमेंट डिस्कशन में आते हो, कल 200 क्वेश्चन में कुछ टिक कराए थे, काफी तुम लोगों ने किए होंगे, होपफुली नहीं किए, ऑलमोस्ट खत्म किया, आज बफर पढ़ाएंगे फिर उसके टिक कराएंगे, उसको भी जाके करना, 600 क्वेश्चन है उसमें शीट में जो आपको दिया है, नहीं गिने नहीं तुम लोग 600 ना, मॉड्यूल नहीं सप्लीमेंट्री जो दिया है, ऐसे ही तो है क्वेश्चन, कितने से तो हमें नहीं पता, 650 उसमें मान लो 100 रिपीटेड होंगे, एक ही क्वेश्चन एग्जाम में आए होंगे ना, है भैया क्या कह रहा है ये है वन वर्ड क्वेश्चन, अच्छा लिखिए लिखो लिखो, कैलकुलेटिंग पीएच इन कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, कैलकुलेटिंग पीएच इन कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, समझ रहे हो भैया, कैलकुलेटिंग पीएच इन कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन कर रहे हैं। तो मेरे दोस्त एक बात बताओ, स्ट्रॉन्ग एसिड सपोज करो HCl ले लो और वीक बेस ले लो NH4OH, स्ट्रॉन्ग एसिड HCl और वीक बेस ले लो NH4OH, समझे दोस्त, इन दोनों को रिएक्शन करानी है। ओवरऑल क्वालिटेटिवली इसका नेचर क्या होगा, अरे तो कल भी बताया आज भी बताया, क्वालिटेटिवली इसका नेचर एसिडिक होगा। कोई बोले सर पीएच की वैल्यू क्या होगी, फॉर्मूला तो बता दो, हाँ 7 की बात क्या बताया माइनस, फिर क्या जो वीक बेस है उसका PKB/2, फिर माइनस लॉग सी बाय टू, लॉग सी अपॉन टू है, लॉग सी के लॉग के अंदर ही ना सी बाय टू करते हैं, ठीक है, यह फॉर्मूला आप लोग जानते हो, डेरिवेशन अब हम बताने जा रहे हैं। कोई बोले ठीक है सर ये फॉर्मूला जानते हैं, एप्लीकेशन कल भी कर चुके हो, कोई बोले कैसे पीएच निकालोगे, डेरिवेशन करने जा रहे हैं। कोई बोले सर हमको आपने NH4Cl दिया था, NH4OH दिया था, उसमें हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिला दिया, एसिड बेस रिएक्शन हो गया, क्या बन गया NH4Cl बन गया और दोस्त वाटर बन गया। अब आप बोलोगे सर आपने ये दे दिया हमने कर दिया, पूरे सॉल्यूशन में क्या NH4OH बचा रहेगा क्या, भाई NH4OH तो खत्म हो गया,
और HCl भी खत्म हो गया है क्योंकि ये दोनों कंप्लीट न्यूट्रलाइज कर रहे हैं दूसरे से, कंप्लीटली रिएक्ट कर गए, ये दोनों तो बचे नहीं। तो क्वालिटेटिवली जो तुमने एसिडिक नेचर बोल रखा है साले, किसकी वजह से एसिडिक नेचर? हाँ, NH4Cl की वजह से। इसका मतलब है कि वाटर की वजह से अगर तुम पीएच सोचते तो बोलते 7 होगा, लेकिन लेस देन 7 है, इसका मतलब NH4Cl कुछ काम कर रहा होगा। NH4Cl में भी Cl- बोलेगा हम स्पेक्टेटर आयन है, हम स्ट्रॉन्ग एसिड के पार्ट है, हम HCl थे, H+ और Cl- पूरे अलग अलग थे, अगर तुम हमको फिर से H+ दोगे तब भी हम फिर से अलग अलग रहेंगे। स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड के जो काउंटर आयंस होते हैं H+ और OH- हटाने के बाद, वो तो हमेशा स्पेक्टेटर होते हैं, वो थोड़ी रिएक्ट करेगा। इसका मतलब NH4+ और वाटर यही दोनों कुछ कर रहे होंगे, तभी तो कुछ। भाई डेरिवेशन के लिए आपको पता तो होना चाहिए क्या हो रहा है, NH4+ और वाटर यही दोनों तो होंगे, कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे होंगे। तो NH4+ और वाटर कुल मिला के यही दोनों मिलकर रिएक्शन कर रहे होंगे, तो इसको बोलते हैं सॉल्ट हाइड्रोलिसिस ऑफ NH4+। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस ऑफ NH4+ आयन, NH4+ सॉल्ट हाइड्रोलिसिस करना है इसका। Cl- तो कुछ करेगा नहीं, तो NH4+ क्या करेगा दोस्त? वाटर से रिएक्शन करेगा, तो वाटर से रिएक्शन करेगा। फिर वही कोई बोले NH4+ वाटर से क्यों रिएक्शन करेगा, अरे उसको प्राउड है, वो बोलेगा NH4OH वीक बेस होता था, होता है कि नहीं होता NH4OH? तो बोलेगा तुम जब NH4OH वीक बेस है, वो OH- रिलीज करेगा तो NH4+ बनाएगा ना, तो वीक बेस का कंजुगेट आयन स्ट्रॉन्ग होता है एसिड, तो NH4+ को ऐसे वर्चुअली एक प्राउड सा है कि हम भाई स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, क्योंकि वीक बेस का कंजुगेट आयन है। तो वो उसको जब वैसे ही कॉन्फिडेंस आया तो अब वाटर के पीछे ही पड़ गया, हम तुमको आयनाइज करेंगे। भाई पूरा सॉल्यूशन एसिडिक है, कुछ ना कुछ आपको लॉजिक तो लगाना ही पड़ेगा, तो जो बचे हुए रिएक्टिव स्पीशीज हैं उन्हीं के बारे में तो लॉजिक लगाओगे। तो NH4+ को लगेगा हम एसिडिक हैं, स्ट्रॉन्ग एसिडिक हैं, क्योंकि NH4OH वीक बेस है, उसके काउंटर आयन है, कंजुगेट आयन है, कंजुगेट एसिड बेस पेयर वाला जानते हो। तो वाटर से क्या करेगा, जो एसिड है प्लस है तो माइनस लेगा, ये वाटर से बोलेगा तुम हमको OH दे दो, हम बन जाए NH4OH और हम फर्निश कर दे पूरे सॉल्यूशन में H+, और इसी रिलीज्ड H+ या फर्निश्ड H+ की वजह से पूरे सॉल्यूशन में H+ बढ़ जाएगा, तो पूरा सॉल्यूशन हो जाएगा एसिडिक, समझ रहे हो, पूरा सॉल्यूशन हो जाएगा एसिडिक। तो एसिडिक हो जाएगा तो फिर उसी का कैलकुलेशन करते हैं। तो वैसे है तो बड़ी हल्की चीज, देखो कोई बोले सर NH4+ का कंसंट्रेशन क्या था, अरे सी मोलर था, मान लो कोई सी मोलर था, मोलारिटी गिवन रहेगी। वाटर जो है बोलेगा, वाटर देखो, वाटर बोलेगा हमारा कंसंट्रेशन या हमारी मोलारिटी प्योर वाटर में मान लो 55.55 है, मान लेते हैं ठीक है, जैसे आपको हमने शुरू में कराया था। उसमें से तुम पीएच स्केल तीन स्केल पे देखे थे, उसमें से 10^-7 जाएगा, 10^-6 जाएगा, 10^-8 जाएगा, है ना, टेम्परेचर बढ़ाने घटाने के हिसाब से बता रहे थे, तब भी वो 55.55 पे थोड़ी फर्क पड़ेगा। भाई वन में से वन मिलियन सब्ट्रैक्ट कर दो, वन में से वन मिलियन पार्ट सब्ट्रैक्ट कर दो, उसका कोई फर्क पड़ेगा क्या? वन मिलियन रुपये है, उसमें से वन रुपये निकाल लो, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, वैसे ही तो है। तो भैया इसका अमाउंट जो रहेगा फिक्स रहेगा प्योर है? क्या कह रहे हो भाई, मिलियन मिलियन बाद में कमाना, अभी अभी सिर्फ देख के मजे लो। चलो देखो, ये वाटर है, उसका अमाउंट हमेशा फिक्स रहेगा। कोई बोले इसमें से भी सी एच जाएगा, मतलब सी माइनस सी एच, अमोनियम बोलेगा हमारे पास सी है और खुशी खुशी हम सी एच अपना रिलीज कर रहे हैं, कि वाटर में से भी सी एच हम ले जाएंगे, क्योंकि जितना अमोनियम रिएक्ट कर रहा होगा उतना ही तो वाटर में से H+ या OH- रिलीज हो रहा होगा। yes, तो ठीक है, वो वाटर देगा, इन बोलेगा हमारा अमाउंट उतना ही है, कांस्टेंट रहेगा जो भी रहेगा। तो ये बन जाएगा CH, और H+ जो फर्निश हो जाएगा वो भी CH आ जाएगा, CH ये भी आ जाएगा। अब प्रॉब्लम आती है कि भैया इसका हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट KH आएगा, तो KH की वैल्यू आप क्या लिखोगे न्यूमरेटर में, क्या कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट आएगा दोस्त? yes, NH4OH, और यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ H+ आएगा, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा दोस्त? NH4+। हम वाटर लेके भी कराएंगे, अभी देखो हम एक्चुअली पिछले एग्जांपल में करा नहीं पाए, वाटर भी ले लोगे ना तब भी आंसर वही आएगा, बताते हैं। अभी हमसे पूछ लेना कि सर आप जो बोल रहे थे वाटर ले लोगे, है ना, पहले इसे ड्राइव कर दे, फिर एक बार हमसे पूछ लेना, सर आप तो बोल रहे थे एक बार वाटर लेके भी कर सकते हैं, तो भी बता देंगे ठीक है।
नहीं हम भूल जाएंगे। तो KH की वैल्यू क्या हो गई? CH न्यूमरेटर में आएगा। अरे NH4 OH की वैल्यू क्या है भैया? CH है। H प्लस की वैल्यू क्या है? अरे मेरे दोस्त वो भी CH है। और डिनोमिनेटर में क्या आएगा? C इंटू वन माइनस H आएगा। तो C इंटू वन माइनस H आ गया दोस्त। तो इसको हम सीधे CH स्क्वायर कर दें, क्योंकि डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस H is very much less than unity, as very much less than less as compared to unity, ठीक है? क्यों? क्योंकि तुम जो ड्रामा चल रहा है ना, ये वाटर से H निकालने का या OH निकालने का हो रहा है, जो कि बहुत कम होगा। नॉर्मली हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा किसी वीक एसिड किसी वीक बेस का क्या देखते हैं? अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट KA by C या अंडर रूट KB by C, उससे भी लेस देन 0.1 आता था, तो नेगलेक्ट कर देते थे। और ये तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट केस है, ये हाइड्रोलिसिस वाला स्टेप ऑलमोस्ट होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि तुम वाटर को फोर्स कर रहे हो उसी कांस्टेंट टेम्परेचर पे कि वाटर तुम आयनाइज हो जाओ। बोलेगा हम सिर्फ आयनाइज होते हैं डिफरेंट टेम्परेचर पे, अलग अलग करने पे। तो थोड़ा बहुत आयनाइज करेगा, इसलिए हमने आपको बताया था कल वाली क्लासेस में कि सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में पीएच की वैल्यू आप जरूर यहाँ पे लिख रहे हो कि पीएच की वैल्यू लेस देन 7 है, लेकिन लेस देन 7 का मतलब सॉल्ट हाइड्रोलिसिस की वजह से पीएच की वैल्यू 1 नहीं हो जाएगी। अरे 7 का मतलब 6.5 हो जाएगी, 6 हो जाएगी, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता सॉल्ट हाइड्रोलिसिस से। कोई बोले क्या सॉल्ट हाइड्रोलिसिस से पीएच की वैल्यू 1 हो सकती है? कभी नहीं होगी, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड बता रहे हो तुम, समझ रहे हो? नहीं समझ में आ रहा है क्या? तो CH स्क्वायर आ गया, तो ये CH स्क्वायर आ गया, तो यहां से हम लोग H की वैल्यू क्या निकालेंगे? अंडर रूट KH बाई CC। पिछले वाले एग्जांपल में गड़बड़ तो नहीं हो गया था? KH बाई क्या आ गया? C आएगा, बताओ। तो H की वैल्यू अंडर रूट KH बाई C आ गई, और डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस पूछता है। तो यहीं से अगर कोई पूछे सर OH माइनस रादर H प्लस की वैल्यू क्या होगी? H प्लस की वैल्यू क्या होगी दोस्त? ये CH है, तो CH का मतलब अंडर रूट C इंटू KH आएगा। और फिर वही प्रॉब्लम, ये भैया KH क्या है? ठीक है, तुम ये KW बाई KB, बहुत बढ़िया दोस्त, यही तो कह रहे हो तुम लोग, इसको डिराइव करवा देते हैं हम। इतना समझ गए? अब एक काम करो, इस जगह पे लिखो कैलकुलेटिंग KH, कैलकुलेटिंग KH, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट KH की वैल्यू बताने जा रहे हैं, कैलकुलेटिंग KH। कोई डाउट हो तो पूछ जरूर लेना भैया, नहीं डाउट हो, समझ में आ रहा है? हाँ दोस्त, KH निकालने के लिए आप एक बात बताओ, हम तुम्हें दो इक्वेशन लिख रहे हैं ऐसे ही कि भाई अगर हमारे पास NH4OH लिखा है और ये आयनाइज कर रहा है NH4 प्लस और OH माइनस में, NH4 प्लस प्लस OH माइनस में, तो इसका KA की सॉरी इसका KA होता है या KB होता है? इसका KB होता है ना, तो इसका KB की वैल्यू क्या लिखते हो? हाँ, न्यूमरेटर में NH4 प्लस और OH माइनस, और डिनोमिनेटर में NH4OH, ठीक दोस्त? कंसंट्रेशन है ये सब। और दोस्त एक बात बताओ, जब वाटर लिखते हो आप लोग, वाटर आयनाइज कर रहा होता है तो बनाता है H प्लस और OH माइनस, नहीं भैया? अरे मेरे दोस्त बताते क्यों नहीं हो, ठीक है? कोई पूछे इसमें सर KW की वैल्यू क्या होती है? KW क्या होता है? H प्लस इंटू OH माइनस। अच्छा, ये दोनों एक्सप्रेशन आ गए आपके पास, H प्लस इंटू OH माइनस। अब हम इन दोनों एक्सप्रेशन को देख के आपसे ये पूछना चाहते हैं, जरा KW और KB का रेशियो ले लो, KW अपॉन KB की वैल्यू हमको बताओ क्या आएगी? अरे डिवाइड कर दो KW को OH से, तो OH माइनस क्या आ रहा है दोस्त? NH4 प्लस NH4OH आएगा न्यूमरेटर में दोस्त, और H प्लस आएगा और NH4 प्लस। तो दोस्त इसकी वैल्यू एक्चुअली में क्या KH के बराबर आ रही है? KH ही तो है ये,
तो इसका मतलब हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट एक्चुअली में के डब्ल्यू अपॉन के भी आ रहा है, नहीं समझे? आ गया। तो दोस्त H प्लस अब क्या निकालोगे यहां से? अच्छा हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट भी आ जाएगा, H प्लस की वैल्यू क्या निकालोगे? नाउ नाउ का मतलब अब फिर हम आगे चलते हैं। H प्लस का जो कंसेंट्रेशन हुआ करता था वो होता था अंडर रूट ऑफ सी के एच, सी इंटू के एच हुआ करता था, और इसकी वैल्यू अब हो जाएगी अंडर रूट ऑफ सी टाइम्स के डब्ल्यू अपॉन के बी आएगा, और ये सब अंडर रूट के अंदर ही है। ठीक है दोस्त, बताना जरूर भैया। दोनों तरफ लॉग ले लो, लॉग तो लॉग लोगे तो लेफ्ट साइड क्या आ जाएगा? लॉग एच प्लस, राइट साइड क्या आएगा? वन अपॉन टू टाइम्स लॉग सी प्लस लॉग के डब्ल्यू माइनस लॉग के बी। ठीक है दोस्त, इतना पहुंच गए? पहुंच गए सब लोग? बहुत प्यारा दोस्त। अब एक बात बताओ भैया, माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस लॉग एच प्लस क्या बोलते हैं? पीएच बोलते हैं। वन बाई टू ऐसे बाहर रहने दो, लॉग सी में माइनस से तो माइनस लॉग सी ही आएगा। लॉग के डब्ल्यू माइनस से मल्टीप्लाई करोगे उसको क्या पी के डब्ल्यू बोलेंगे? नहीं बताओगे? इसको बोलेंगे पी के डब्ल्यू, पी के डब्ल्यू। यहां पे आओगे तो क्या इसको माइनस पी के बी बोलेंगे और माइनस लॉग सी बोलेंगे? और क्या चाहते हो? वो तो गया फॉर्मूला यार, पी एच इज इक्वल टू पी के डब्ल्यू बाई टू आ जाएगा, माइनस पी के बी बाई टू आ जाएगा, माइनस लॉग सी बाई टू आ जाएगा। और पी के डब्ल्यू की वैल्यू 14 होती है, उसी को 7 लिखा करते थे। तो यहां से फॉर्मूला भी डिराइव हो गया, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस भी आ गई, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट भी आ गया। क्या पता एग्जाम में हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट की वैल्यू पूछ ले, जैसे डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस पूछता है, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट नहीं पूछ सकता क्या? समझ रहे हो बच्चा? तो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस सब आ जाएगा, पीएच की वैल्यू ये आ जाएगी। समझ गए? ये क्वेश्चन होते हैं जिनसे आपको बिना डेरिवेशन के आप नहीं कर सकते ये। तो हमने क्या किया था आपको पिछली क्लास में, वो पिछली क्लास में इतना नेटवर्क इशू था, रिकॉर्ड हुआ होता तुम लोग को थोड़ा मतलब। अब चलो फिर, पिछली क्लास में हमने सारा फॉर्मूला करा दिया था, फॉर्मूले पे बेस्ड जितने क्वेश्चन हो सकते थे, मतलब जितनी वैरायटी वो सारी करवा दी। फिर उसके बाद आपने देखा कि भाई फॉर्मूले के अलावा भी कुछ बीच बीच में क्वेश्चन पूछे गए थे, और वो क्वेश्चन फॉर्मूले से नहीं हो सकते थे, जैसे डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस कॉन्स्टेंट, तो उनके लिए डेरिवेशन की जरूरत पड़ेगी ना, तो वही तो कराया हमने। ठीक है, अब लोगों का इसमें और होता है डाउट। हमसे एक बच्चे ने पूछा, मतलब तुम लोग तो नहीं पूछे, पहले पूछा कि सर ये वाटर, वाटर हम ठीक है मान लेते हैं कि कोई भी स्पीशीज विच इज इन एक्सेस, या कोई भी स्पीशीज प्योर सॉलिड स्टेट में, कोई भी स्पीशीज प्योर लिक्विड स्टेट में, या कोई भी स्पीशीज जिसका अमाउंट चेंज नहीं हो रहा है टाइम के साथ, उसका एक्टिव मास या मोलर कंसेंट्रेशन 1 लिया जाता है उसकी जगह पार्शियल प्रेशर। अरे प्योर सॉलिड, प्योर लिक्विड, या कोई स्पीशीज जो हमेशा एक्सेस में है जिसका अमाउंट चेंज नहीं हो रहा है, उसका अमाउंट हमेशा 1 लेते हैं, मोलर कंसेंट्रेशन या पार्शियल प्रेशर 1 यूनिटी लिखा जाता है। कोई बोले हमारा मन नहीं कर रहा, हम सोच रहे हैं हम वाटर यहाँ लिख दें, तो देखो तो हमारी बात सुनो, अगर तुम यहाँ पे H2O लिख दोगे, H2O लिख दोगे, चलो H2O लिख दिया, ध्यान से सुनना, यहाँ H2O लिख दिया तुमने, ठीक, ऑनलाइन वाला दिख रहा है तुम लोग को, सांस नहीं ले रहा सर? हाँ, यहाँ पे H2O लिख दिया तुमने, तो जब यहाँ पे H2O लिखा है तुमने, तो एक काम करो, यहाँ पे KW ना लिख के तुम KA लिख दो। अरे जब यहाँ पे लिखा है तो क्या KA H प्लस इंटू अपॉन ये वो वाटर लिख देंगे? हम एक काम करते हैं, कहाँ गया भाई ये, अरे यहाँ पे H2O लिख देते हैं, ठीक, और यहाँ पे हम लिख देते हैं KA, तो ये KA एक्चुअली में KW अपॉन वाटर आ रहा है, नहीं समझ रहे हो? KW अपॉन वाटर आ रहा है, तुम एक काम करो, KW अपॉन वाटर अपॉन KB कर दो, रेशियो वही आएगा। अरे वाटर वाटर कट जाएगा, अरे जब तुम यहाँ पे KA लिख रहे हो तो ये क्या आ गया, KW अपॉन वाटर आएगा, ठीक।
तो जब तुम इसका रेशियो लोगे के डब्ल्यू अपॉन वाटर और अपॉन के बी, ऐसे कर लो, और ये जो आएगा ना वाटर वहीं पे आ जाएगा, के डब्ल्यू अपॉन के बी की, के डब्ल्यू अपॉन के बी की वैल्यू ये वाटर को छोड़ के बाकी आ रही है, के डब्ल्यू अपॉन के बी की वैल्यू आ रही है। तो यहाँ पे जब वाटर वाला टर्म रहेगा तो वाटर एक नीचे आ नहीं रहा है। Yes. अगर वाटर ले लोगे तो वाटर यहाँ भी आएगा, बात आंसर तो वही आएगी। कोई डाउट ऑनलाइन वालों, कोई डाउट तुम लोग को कि वाटर वाटर अगर ले लोगे तो क्या आएगा? समझ में आ रहा है भैया? तो वाटर लेने वालों का आंसर भी सेम आएगा। तो ये हो गया, ठीक है बच्चा, लिखोगे कि हम कर लोगे अपने आप, हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। एसी का अच्छा बंद करना है, रुको मैं बंद कर देते हैं। लिख लिया भैया? अब वीक एसिड वीक बेस के केस में सॉल्ट हाइड्रोलिसिस पढ़ाने जा रहे हैं, इसको कॉपी कर लिया आप लोगों ने? चलो लिखो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट और ये सब। चलिए नेक्स्ट, शादी हो रही है सड़क पर किसी की, एक से एक गाने हैं, भोजपुरी गाने गाते हैं ना, एक से के लोग नागिन वाले हैं, वैन वाले खा रहे हूँ, वैन वाले इसी में शादी वादी में निपटा देते हैं क्या? वैन वाले इसे निपटा देते हैं, खाना पीना हो जाता है। देख लो गाने वाने शुरू हो गए, पढ़ने नहीं देंगे ये लोग, गाने बजाने चलाते रहे। बीन बजा रहा है, बीन बीन सड़क पे सब लेटते हुए डांस करते हुए। तुम लोग 8 बजे निकल जाते हो, हम लोग कभी कभी 9 o'clock तक रुकते हैं, देखते ना है ना, लूट रहे हैं डांस से, सारी नागिन वहीं इकट्ठे निकल पड़ते हैं, नागिन नाग सारे के सारे, कपड़े उपड़े गंदे कर लेते हैं लोग। चलो देखो दोस्त, देखिए वो वीक एसिड और उसका देखो, कैलकुलेटिंग pH एंड pOH इन कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ वीक एसिड विद वीक बेस, calculating pH and pOH in complete neutralization of weak acid, pH and pOH in complete neutralization of weak acid with weak base, weak acid weak base वाले का complete neutralization जो होता है उसमें pH and pOH बता रहे हैं, ठीक है दोस्त? pH and pOH का formula पता है आपको, अभी हमने बताया था average ले लेना उन लोगों का। तो फिर भी जैसे weak acid suppose करो acetic acid ले लिया हमने, 3COH, और वीक बेस ले लिया सपोज करो NH4OH, ठीक है, C3COH ना लेके कोई RCOH ले लो, R कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, अरे RCOH का मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है दोस्त, R है कुछ और में समझ लेना। NH4OH से रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा? Excuse me sir, क्या होता? थोड़ा नीचे लिखिए, वहां शाइन कर रहा है। अच्छा ठीक है, नीचे देखो RCOH यहाँ दिख रहा है भैया? Yes, RCOH plus NH4OH, अगर आप लोग ये देखोगे तो इसमें अगर आप रिएक्शन करोगे तो क्या बनेगा? क्या RCOONH4 बनेगा? RCOONH4 प्लस वाटर नहीं बनाते हो? ये तो बनाओगे। तो इक्विलिब्रियम पे एक बात बताओ कि एसिड बचेगा क्या फाइनली? अरे ना तो एसिड बचेगा वीक एसिड, ना तो वीक बेस, अरे वीक एसिड है डब्ल्यू ए बोले तो वीक एसिड, और ये डब्ल्यू बी बोले तो वीक बेस, तो वीक एसिड वीक बेस दोनों रिएक्शन कर रहे हैं तो कुछ बचेगा तो है नहीं, दोनों खत्म हो जाएंगे, ना तो वीक एसिड की वजह से पीएच, ना तो वीक बेस की वजह से पीएच, तो सॉल्ट और वाटर जो बचे इन्हीं की वजह से तो पीएच आएगा।
तो सॉल्ट और वाटर जो है इनकी वजह से पीएच आने वाला है, ठीक है दोस्त। अब देखिए सॉल्ट में भी लोचा है, आर सी ओ माइनस, वो बोलेगा भाई हम अलग हाइड्रोलाइज करेंगे, एनएच फोर प्लस बोलेगा हम अलग हाइड्रोलाइज करेंगे, दोनों करेंगे ना। अरे इसके पहले इंडिविजुअल केसेस नहीं पढ़ाए आपको, अरे सॉल्ट कार्बोक्सिलिक एसिड का अलग हाइड्रोलाइज करता था, एनएच फोर प्लस अलग हाइड्रोलाइज करता था, अब एक ही सोल्यूशन में दोनों है तो इनकी दोनों की जिद होगी, अब हम दोनों मिलके वाटर से एच प्लस ओ एच माइनस खींचेंगे, यही तो करेंगे ये लोग। तो ये क्या करेगा, बोलेगा वाटर से वाटर तुम हमको तुम एच दे दो, क्या बनेगा आर सी ओ एच बनाएगा, और फर्निश क्या करेगा सोल्यूशन में ओ एच माइनस एन एच फोर प्लस जाएगा, बोलेगा ए वाटर ओ एच खींच लेगा तो क्या होना है एन एच फोर ओ एच, और फर्निश क्या करेगा एच प्लस, ये दोनों रिएक्शन होंगी साइमल्टेनियस होंगी, साइमल्टेनियस मतलब एक साथ पूरे सोल्यूशन में, क्योंकि ये जो आयन्स होंगे वही रिस्पॉन्सिबल है, ये जो हमने लिखा ना हाईलाइट करके यही चीज रिस्पॉन्सिबल है पूरे सॉल्यूशन के ओवरऑल एसिडिक या बेसिक नेचर को डिसाइड करने में, वाटर के साथ साथ ये आर सी ओ और एन एच फोर। कैसे गाते हैं भैया हम, कैसे हंस रहा है ये शादी वाले गाते कैसे हैं देखो। इससे अच्छा गाने चला दें हॉलीवुड वाले बॉलीवुड वाले जो भी हैं, हाँ दिल से गाते हैं। म्यूजिक भी निकालते हैं कभी कभी ये लोग गाते हुए। तो देखो दोस्त अच्छा एक बात बताओ, कोई बोले सी मोलर कंसंट्रेशन इसका बना है, अरे ठीक है एसिड और बेस के जो भी मोल्स होंगे रिएक्ट करके कुछ मोल सॉल्ट के बनाएंगे और उसके वॉल्यूम से डिवाइड करोगे कंसंट्रेशन आएगा, लेकिन जब ये दोनों सॉल्ट बना है मान लो उसका कंसंट्रेशन सी है सी, तो भैया आर सी ओ माइनस का भी तो कंसंट्रेशन सी आएगा क्योंकि उसी का पार्ट है। अरे NaCl अगर वन मोल है तो Na प्लस भी वन मोल होता है, Cl माइनस भी होता है, तो जो भी सॉल्ट है उसका आयन भी उसी के अकॉर्डिंगली उसी रेशियो में डिपेंडिंग अपॉन कितने मोल्स है ऐसे बनेगा, ये भी सी बनेगा ये भी सी। कोई बोले सर ये सी माइनस सी एच हो जाएगा, ये भी सी माइनस सी एच हो जाएगा, और अकॉर्डिंगली ये सब भी अपने आप से बनेंगे ऐसे सी एच और सी एच। अब प्रॉब्लम इसमें ये आती है थोड़ा सा, यहाँ पे तीन बार अप्रोक्सीमेशन लेना पड़ता है जो डेरिवेशन हम कराने से थोड़ा अभी हट रहा है, ठीक है रुक जाइए पहले सुनिए हमारी बात सुनिए। कोई बोले सर अगर ये सिर्फ इक्वेशन हो रही होती तो इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट के डब्ल्यू अपॉन के ए आता, अरे थोड़ी देर पहले ही तो पढ़ाए थे इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट के डब्ल्यू अपॉन के ए आएगा, अरे वो आए रहा यार पैर में फंसा ले रहा है यहाँ से, यहाँ थोड़ी कोई बैठा है वायर फंस जा रहा है क्या कर, आर सी ओ माइनस प्लस वाटर है तो ये होता के डब्ल्यू अपॉन के ए, इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट KW अपॉन KB हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। तो भैया KW दोनों में सेम है, KA और KB के बेसिस पे हमें वैल्यू पता लग जाती किसकी ज्यादा है किसकी कम है, जिसकी ज्यादा होती सपोज करो KW अपॉन KA ज्यादा होता तो ओवरऑल सॉल्यूशन बेसिक कहा जाएगा, KW अपॉन KB ज्यादा होगा तो इसका मतलब H+ ज्यादा रिलीज हो रहा है ओवरऑल सॉल्यूशन एसिडिक कहा जाएगा, क्योंकि कुछ चीजें रिएक्ट भी तो कर जाएंगी H+ और OH-। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे C माइनस सी एच वन होना चाहिए और यहाँ पे C माइनस सी एच टू होना चाहिए, नहीं होना चाहिए प्रिसाइजली यही होना चाहिए और एक्चुअली में यही होता है फाइनल आंसर निकालते टाइम, यही होता है फाइनल आंसर निकालते टाइम, लेकिन दोनों ही जो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट होते हैं दे आर वेरी मच लेस देन वन, ऐसे एच वेरी मच ऐसे बता दें नहीं बहुत 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 कम, एच वन और एच टू जब दोनों ही बहुत कम है तो हम दोनों को मान लेते हैं वैसे फॉर क्वेश्चन या कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू दोनों सेम है, ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला एच वन और एच टू दोनों ही होंगे, तो सुनो हम इसका डेरिवेशन इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपको एच वन एच टू फिर अभी लेना पड़ेगा और आगे चलना पड़ेगा, फाइनली इन दोनों का एच वन एच टू को ऑलमोस्ट सेम लेते हुए जो एच की वैल्यू आती है वो ये आती है अंडर रूट ऑफ के डब्ल्यू अपॉन ऐसे सी के डब्ल्यू, अरे एक मिनट एच की वैल्यू इसके पहले क्या आती थी अंडर रूट के एच अपॉन सी आती थी ना, यहाँ पे आता है के डब्ल्यू अपॉन के ए
अपॉन इनटू केबी, नीचे ही रहता है और ये भी इंडिपेंडेंट होता है कंसंट्रेशन से, याद कर लो इसको, याद कर लो इसको। और इसके पीएच की वैल्यू अभी डिराइव करके हमने दिखाया था आपको क्या होती है, डिराइव नहीं वैसे रिजल्ट फॉर्मूला क्या होता है, 7 प्लस आप इसका डेरिवेशन अभी नहीं बता सकते, सुनो तो कई अप्रोक्सीमेशन, इसमें 3 बार अप्रोक्सीमेशन लेना पड़ता है, वो अभी डिराइव नहीं कर सकते कि कई चीजें है ना इसमें, अरे फंस जाओगे, फंसोगे, अभी नई नई चीजें हमको बतानी पड़ेंगी, आंसर फिर नहीं, टाइम लग जाएगा उसमें, अभी नहीं, उसका सही टाइम आएगा जरूर बताएंगे दोस्त, छोड़ते नहीं है, अभी नहीं बता सकते ना, कुछ चीजें तुरंत मत मतलब सीखो, आप कैलकुलेशन करना सीख गए, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस पूछेगा बता लोगे, बस चलो ये हो गया वीक एसिड वीक बेस वाला। अच्छा लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो, तुम लोग वैन से जाते होगे, ये शादी वाले रास्ते पर रोकते हुए जाते होंगे, किनारे से रास्ता भी नहीं देते नहीं, आधे लोग इसमें तो शादी दूसरे की है, पीके मौज लेते रहते हैं, वैन वाले भैया लोग क्या करते हैं, वो लोग बहुत शोर मचा रहे हैं यहाँ, लोग नॉइज निके निके शॉर्ट्स में शादी नहीं हो रही, सब पीने पिलाने वाली जगह लोग इधर थोड़ी होती है, उसके आगे ना वो होटल का, कौन सा होटल है यार, रास, होटल रास करके है ना इधर, उसमें तो यहाँ से ये लोग जाते हैं पैराडाइज होटल से निकलते हैं रास तक जाते हैं घूमते हुए, कौन सा अरे तुमसे क्या मतलब कॉल लगाना चल रहा, तुम दिमाग लगाने लगते हो दोस्त, अच्छा कौन सा कह रहा है, कौन सा गाना कर रहा आज मेरे यार की मिलता यही गाने थोड़ी चलते हैं ट्यून वैसे का है ये लोग, चलो समझ गए, चलिए लिखिए नेक्स्ट, बफर सॉल्यूशन, बफर बफर सॉल्यूशन, शादी वादी में गए हो इसे बिना बुलाए, कभी शादी वादी बिना बुलाए ये जाता है, जाता रहता है क्या घर के पास में, कहाँ अरे कोविड में भी जाते रहते होगा किसकी तरफ से कोविड ना होता तो है बारात आ रही, अच्छा तुम ये भी आ रही है, तुमको आ रही जा रही, हाँ तेज बहुत ज्यादा तेज हो रहा है, तुम खोपड़ी रुक जाओ थोड़ी देर इतने तेज हाँ उधर से आ रही है, उधर कोचिंग के उस साइड से आ रही है, जहाँ वैन तुम लोग खड़ी हुई थी, अरे उधर से सिविल लाइन क्या उधर से आ रही है, इधर आ रही है रिकॉर्डिंग कॉपीराइट क्लेम कैसे आ जाएगा,
रिकॉर्डिंग पे कैसे आ जाएगा भैया? देखो दोस्त, बफर सॉल्यूशन लिखो, लिखो ये एक स्पेशल, लिखो इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन जो है इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ सॉल्यूशन, थोड़ा नई एंटायरली नई चीज है ये। इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ सॉल्यूशन व्हिच रेजिस्ट चेंज इन पीएच। बफर सॉल्यूशन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ सॉल्यूशन व्हिच रेजिस्ट चेंज इन पीएच। बफर सॉल्यूशन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ सॉल्यूशन व्हिच रेजिस्ट चेंज इन पीएच, है ना दोस्त? बोलो ये क्या है भैया, इसका मतलब कुछ ये स्पेशल टाइप का सॉल्यूशन बोलो कि कहाँ मिलते हैं? नहीं बता रहे ना, हम बता रहे हैं अगर जो तो प्रॉब्लम ये हो, देखो हमने बता दिया बफर सॉल्यूशन है कि स्पेशल टाइप के सॉल्यूशन होते हैं जो पीएच चेंज होने ही नहीं देते हैं। एक सॉल्यूशन है, हम बोल दें बफर है, नाम बोल दिया उसका, तो उसमें एसिड बेस डाल दोगे ना तब भी उसका पीएच चेंज होगा नहीं, होगा तो बहुत थोड़ा सा होगा। बोलोगे अच्छा ऐसे क्यों होता है ऐसा, और कौन कौन से ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जिनको बफर सॉल्यूशन बोलते हो, ये तो तुम्हारे मन में आ रहा होगा। कौन कौन से ऐसे सॉल्यूशन है जिनको बफर, और कहाँ मिलते हैं ये सारे, हम क्या घर में बना सकते हैं क्या? हमारा ब्लड बफर सॉल्यूशन होता है, हमारा ब्लड एक बेसिक, हमारे ब्लड का पीएच क्या होता है, पीएच 7.2 या 7.3 बोल सकते हो, हल्का सा स्लाइटली अल्कलाइन होता है। एसिडिक चीजें हम लोग को कंज्यूम नहीं करनी चाहिए, हमारी बॉडी अगर एसिडिक चीजें बहुत देर तक एक्सपोजर हो जाए तो बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, गैस्ट्रिक और कैंसरस भी होती हैं सारी, है ना। एसिडिक चीजें बॉडी को कंज्यूम नहीं, मतलब नेचर का गिफ्ट है कि बहुत ज्यादा अल्कलाइन में नहीं कि पीएच इज इक्वल टू 14 पे पीना शुरू कर दो। एसिडिक चीजें कम कंज्यूम करनी चाहिए, जितने वेजिटेबल फ्रूट्स ये सब कुछ हम लोग को बताया जाता है ना कि एसिडिक कम चीजें खाओ, थोड़ा बहुत एसिडिक चलता है, लेकिन नेचर का गिफ्ट है ये कि ब्लड हमारा बेहतरीन, मतलब देखो नेचर ने कितना सुप्रीम पावर ने कितना बढ़िया बनाया है, हम लोग को बफर सॉल्यूशन हमारे अंदर ही दे रखा है ब्लड। कोई बोले अच्छा 5-6 लीटर ब्लड होता है हमारे अंदर सब लोग के अंदर, तो उसमें क्या है कि कोई बोले इंजेक्शन लेते हैं, इंजेक्शन में एसिडिक पीएच इज इक्वल टू 1 पे, पीएच इज इक्वल टू 1 पे इंजेक्शन भर के लगा दो ब्लड में अपने। कोई बोले पीएच इज इक्वल टू 1 बहुत खतरनाक एसिड होता है, आप डाल दोगे ना तब भी ब्लड का पीएच चेंज नहीं होगा, थोड़ी देर बाद देखोगे फिर नॉर्मल हो जाएगा, उतना ही रहेगा। अच्छा कोई बोले पीएच इज इक्वल टू 14 पे ले जाके डाल देंगे अंदर ब्लड में, नहीं तो निडल जाएगी तो पेनेट्रेट टिश्यूज को पेनेट्रेट करके जाती है इसलिए पेन होता है, उस एसिडिक बेसिक जैसे ब्लड में जाता है ब्लड पूरे बॉडी में उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, न्यूट्रलाइज नहीं पीएच चेंज होने नहीं देता, ब्लड की एक कैरेक्टरिस्टिक होती है, प्रॉपर्टी होती है, ह्यूमन ब्लड की बात कर रहे हैं, बड़ा अच्छा गिफ्ट है ये। तो ये बफर सॉल्यूशन है, अब इतना नहीं कि 10-20 लीटर लाके उसी ब्लड में डाल दो, इतना अमाउंट है ऐसा नहीं कि उससे बहुत ज्यादा अननेसेसरी कुछ भी 1 लीटर लाके एसिड भर दो, मतलब कुछ अमाउंट ले लो तो मतलब पीएच चेंज होने नहीं देगा वो। कोई बोले अच्छा ऐसा क्यों होता है और ऐसे कौन कौन से सॉल्यूशंस होते हैं, क्या हम कोई बफर सॉल्यूशन बना सकते हैं? तो ह्यूमन ब्लड इज अ बेसिक बफर सॉल्यूशन, देखिए जो ह्यूमन ब्लड है इज अ बेसिक बफर सॉल्यूशन विद पीएच इज इक्वल टू 7.2, है ना, पीएच इज इक्वल टू 7.2। इसका मतलब है इसमें अगर स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस ऐड करोगे तब भी इसके पीएच पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लिख लेना वहीं पे, क्योंकि ये बफर सॉल्यूशन है अगर ह्यूमन ब्लड, इसका मतलब है कि ह्यूमन ब्लड में अगर वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड या वेरी स्ट्रॉन्ग बेस अगर आप ऐड करोगे तो उसका पीएच कोई खास चेंज नहीं होगा, 7.2 से 7.25 हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा, है ना, या 7.3 हो जाएगा ऐसे, और बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता है, ठीक। तो फिर 1-2 दिन बाद देखोगे फिर वही पीएच आ जाएगा, ठीक है भैया। तो इसका मतलब अगर बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड बहुत स्ट्रॉन्ग बेस भी ऐड करोगे तो पीएच चेंज नहीं होगा। अब चलिए देखिए, तो कोई बोले क्या घर में बना सकते हैं बफर सॉल्यूशन, घर में ब्लड की बात नहीं कर रहे हैं, वैसे और चीजें बना सकते हो बफर, हाँ बफर और प्रॉपर्टी शो करने वाला घर में भी हम बना सकते हैं। फिर आप बोलोगे प्रूफ दो हमको, आप ये भी तो मांगोगे प्रूफ कि हम भैया पीएच चेंज कैसे नहीं हो रहा है, हम आपको सब चीजें बताएंगे कौन कौन से सॉल्यूशन होते हैं जैसे बफर बना रहे हैं, किस टाइप के एसिड बेस मिलके बफर सॉल्यूशन बना सकते हैं, है ना, कितना पीएच चेंज पॉसिबल है अगर बफर सॉल्यूशन आप ले रहे हो तो, है ना। और फिर आपको ये बताएंगे
प्रूफ उसका कि एक्चुअल में पीएच चेंज हो रहा है, कितना हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है, आपको प्रूफ करके दिखाएंगे कि देखो इतना आपने कितना भी एसिड डाल दिया फिर भी पीएच का चेंज मतलब 0.2 यूनिट 3 यूनिट ऐसे हो रहा है, 0.3 यूनिट 0.4 यूनिट ऐसे होगा। ठीक है दोस्त, एक एक करके हर एक चीज का प्रूफ देंगे। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले ऐसे पॉइंट्स बताते जाएंगे, फिर उस पॉइंट्स में जो लूपहोल्स मिलेंगे, कमियां मिलेंगी, उनको इम्प्रूव करने के लिए एक और पॉइंट बताएंगे। इसी बहाने जितने भी हमने अभी क्वेश्चन तुमको बोले हैं वो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, सारे डाउट्स बफर्स रिलेटेड कंप्लीट हो जाएंगे। लिखो, टू फॉर्म अ बफर सॉल्यूशन, एक एक करके लाइन स्टार बना के इंपॉर्टेंट करके, टू फॉर्म अ बफर सॉल्यूशन, इसमें थ्योरेटिकल पॉइंट पे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। और जितने क्वेश्चन कल हमने टिक कराए थे तुम लोग को, बफर वाले सब छोड़ दिए थे ना, और उसमें यही सब थियोरी पे है, थियोरी पे बेस्ड है। अगर थियोरी पढ़ी हुई है तो आप एक लाइन में कर लोगे, मेरे ख्याल से 30 सेकंड भी नहीं लगेगा अगर थियोरी अच्छे से जानते हो तो। तो क्या लिखा, टू फॉर्म अ बफर सॉल्यूशन, अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, टू फॉर्म अ बफर सॉल्यूशन, अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, ब्रैकेट में लिखो, जैसे वीक एसिड या वीक बेस, अरे उन्हीं को तो वीक इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। टू फॉर्म अ बफर सॉल्यूशन, अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, और ब्रैकेट में लिख लेना वीक एसिड या वीक बेस, वीक इलेक्ट्रोलाइट, फिर ब्रैकेट बंद कर लो। आपने लिखा टू फॉर्म अ बफर सॉल्यूशन, अ वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड इट्स इमीडिएट कंजुगेट पार्ट, अ वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड इट्स इमीडिएट कंजुगेट पार्ट, अ वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड इट्स इमीडिएट कंजुगेट पार्ट मस्ट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन, टू फॉर्म अ बफर सॉल्यूशन, a weak electrolyte and its immediate conjugate part must present in a solution. अगर आपको buffer solution बनाना है तो एक weak acid या weak base और उसी का immediate conjugate part must present in a solution. ठीक है, जैसे अभी बता रहे हैं, एक और लाइन लिखो, अगली लाइन, only weak electrolyte can form buffer solution. Only weak electrolyte can form buffer solution. Only weak electrolyte can form buffer solution. Weak electrolyte का मतलब weak acid या weak base, है ना दोस्त? Only weak electrolyte can form buffer solution. ठीक है बच्चा? अब देखो interesting चीज, तो वो क्या है? देखिए हमारी बात सुनिए। कोई बोले सर acetic acid हमारे पास है और acetic acid में हम sodium acetate powder form में लाके डाल दें तो बताओ बफर बन सकता है कि नहीं बन सकता? आराम से बन जाएगा। अरे एसिटिक एसिड का काउंटर आयन क्या होता है? CH3CO-, तो एसिटिक एसिड एक बीकर में ले लो। कोई बोले सोडियम एसिटेट पाउडर फॉर्म में लाके डाल दिया, अभी तो वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या है? एसिटिक एसिड, और उसका कंजुगेट आयन क्या है? CH3CO-, है कि नहीं है? बफर बन जाएगा। अरे CH3CO-Na का मतलब समझ रहे हो? अरे CH3CO-, ये दोनों एक ही सोल्यूशन में है, दिस प्लस दिस, है ना, बफर बनाएगा। बताओ बच्चा। कोई बोले अच्छा सर CH3COOH लेते हैं हम और CH3COK ले लेते हैं पोटेशियम, ये भी बनाएगा बफर? अरे पाउडर फॉर्म में ले लोगे CH3CO- और K+, वही तो है। कोई बोले सर हम कोई कार्बोक्सिलिक एसिड ले लेते हैं RCOH और उसमें हम मिला देते हैं RCOO होल ट्वाइस कैल्शियम, बताओ ये बफर बनाएगा? एक वीक एसिड है और वीक एसिड में से H प्लस हटाओगे तो काउंटर आयन क्या बनेगा? RCO-, तो दोनों एक साथ सॉल्यूशन में पड़े होते हैं, बफर बनाते हैं, क्या ये भी बफर बनाएगा? हम आपसे क्वेश्चंस लिख के दे रहे हैं, आप हमको बताओ कितने इसमें से बफर बना रहे हैं। 1, 2, 3, 4 फॉर्मिक एसिड लिखा है सपोज करो, और हम यहाँ पे बोल दें HCOONA, बताओ ये मिलके बफर बना सकते हैं क्या? बना सकते हैं क्या, इसका मतलब हम पूछ रहे हैं, बना सकते होंगे तो बता देना। HCOO होल ट्वाइस बेरियम, बेरियम का सॉल्ट ले लिया हमने, 6 वाला बताओ। कोई बोले सर NH4 वो था, एक एक क्वेश्चन हमको बताना, इसमें NH4Cl मिला दिया सॉलिड फॉर्म में या कुछ भी। 7 वाला बताओ, कोई बोले सर NH4OH है, इसमें हमने मिला दिया अमोनियम सल्फेट, बताओ बफर बनेगा? 8 वाला आप लिखते जाओ, हमने जो अभी दो पॉइंट्स बताए हैं, NH4+ आयन है, इसमें हमने मिला दिया NH4OH, ये भी मतलब पूछ रहे हैं हम तुमसे बफर बनेगा कि नहीं बनेगा। 9th वाला हम आपसे पूछ रहे हैं, जल्दी बताओ भैया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है
उसमें NaCl मिला दिया, वापर बनेगा क्या? टेंथ वाला HNO3 है, इसमें KNO3 मिला दिया, बफर बनेगा क्या? एक एक करके बताओ, अगर पहले लिखते तो जाओ फिर बताओ बफर बनेगा कि नहीं बनेगा। 11th वाला देख लो, जल्दी करो भैया। HCN ले लिया, NaCN मिला दिया, इसमें ये बफर बनेगा कि नहीं? 12th वाला ले लो, कोई बोले H2CO3 है, NaHCO3, ये बफर बनेगा कि नहीं? 13 वाला भैया, इस पे भी क्वेश्चन आता है IIT में, Na2CO3 है, इस पे बफर बनेगा कि नहीं? जल्दी करो बे, CO3 2 माइनस, HCO3 माइनस, बफर बनेगा कि नहीं? क्वेश्चन तो लिखो पहले, अभी तो समझ में आएगा। सेवेंटींथ वाला बताओ बफर बनेगा कि नहीं? 18th वाला, अरे फॉस्फेट ले लो, ये बताओ बफर बनेगा कि नहीं? 19th वाला देखो, लिखते जाओ भैया, हमको तुम लोग को बताना है बफर बनेगा कि नहीं बनेगा। बताओ दोस्त, ये हम क्वेश्चंस आपको लिख के दे रहे हैं और आप लोगों को इसमें ये बताना है क्या ये बफर बनेंगे, ये सॉल्यूशंस बफर बना सकते हैं या नहीं, हम आपसे पूछ रहे हैं। और दो ही कंडीशन बताइए, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट और उसका इमीडिएट कंजुगेट पार्ट सॉल्यूशन में होंगे तो बफर बनेगा, और ओनली वीक इलेक्ट्रोलाइट कैन फॉर्म बफर सॉल्यूशन। तो इन्हीं दोनों के बेसिस पे हमने ये क्वेश्चंस दे दिए अभी आपको, अभी तो थ्योरी कंप्लीट थोड़ी हुई है, लेकिन एक पोर्शन थ्योरी का बताया है और उस पोर्शन थ्योरी के बताने के बाद हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं। देख लेना H2 कहाँ है, H कहाँ है, नहीं तुम लोग इसी में कंफ्यूज रहो। जो हमने लिखा है एकदम सही लिखा है, किसी के नीचे H2 लिखा है तो H2 ही है, तो उसमें कोई आर्गुमेंट नहीं करोगे आप लोग। अब जो लिखा है उसमें बताओ क्या ये दोनों मिलके बफर बना सकते हैं। जल्दी करो, ये 24 क्वेश्चंस हैं, इसमें बताओ बफर कौन से बनेंगे कौन से नहीं बनेंगे, चलिए बताओ। अगर कॉपी कर लियो तो हम पूछना शुरू करें, अगर कॉपी कर लियो तो हम पूछना शुरू करें, अगर कॉपी कर लियो तो हम पूछना शुरू करें, जल्दी बताओ। EPL
EPL. समझ रहे हो भैया, बताया जाए क्या? ऑनलाइन वालों कॉपी कर लिए? यस, बहुत बढ़िया दोस्त. क्या दोस्त, हे जुकाम हो रहा है, मास्क लगाओ, बगल वालों को भी फैला दो. तुम लग रहा है, ध्यान रखो दोस्त, ये बगल वाले पता लगे नहीं पता है कि यही है, यही है, इसी की वजह जुकाम हुआ. एसी चला दें क्या? कभी कभी गर्मी से भी जब एसी चलाते हैं ना तो फिर जुकाम रुक जाता है. हेलो, ठंडी ज्यादा हो रही है ना. हाँ चलो देखो, बताओ फर्स्ट वाला. अरे एसिटिक एसिड और एच प्लस हटाने के बाद जो आयन बनेगा वो है ना बफर. एसिटिक एसिड सोडियम बफर, बहुत प्यारा. कार्बोक्सिलिक एसिड, कोई बोलिए होल ट्वाइस. अरे हमें उससे क्या मतलब, आर सी ओ माइनस तो है, एच प्लस हटाने के बाद बफर बनेगा. और ये एच सी ओ एच और एच सी ओ माइनस, ये ऑनलाइन वाले बोल रहे हटा देंगे बाहर, इन लोगों को निकाल देंगे, तो इन सबको एग्जिट कर देंगे. एच सी ओ एच और एच सी ओ माइनस, बताओ. यस बफर, बहुत बढ़िया. लास्ट वाले इसमें बफर, एच सी ओ एच और एच सी ओ माइनस है बफर. NH4OH है, कोई बोले OH हटने के बाद NH4+ बनेगा. अरे NH4+ के साथ ठीक है, Cl- Br- I- सब चलता है, कोई बात नहीं, NH4+ तो है बफर. 7 ठीक है, अमोनियम सल्फेट है तो कौन सा पाप हो गया, NH4+ तो है, NH4OH का कौन सा आयन. लास्ट वाला NH4+ NH4OH बफर, 8 बफर हो गया. बहुत बढ़िया, स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड तब से बफर बनाने लगे, वो थोड़ी बनाएगा 9th 10th वाला. अरे स्ट्रॉन्ग एसिड है HNO3, बहुत प्यारा दोस्त, ये भी नहीं बनाएगा स्ट्रॉन्ग एसिड, बफर नहीं बनाएगा ना. HCl वीक एसिड है, HCN H+ और CN माइनस, ये HCl थोड़ी है, बफर बनेगा ये. अच्छा एक मिनट सुनो, बफर ये होता है, एक इलेक्ट्रोलाइट है वीक इलेक्ट्रोलाइट, उसमें से उसी का इमीडिएट कंजुगेट पार्ट. अरे तो H2CO3 में से एक H+ हटाओगे तो HCO3- बनेगा, और ये HCO3- तो है, अरे Na+ हटा दो, HCO3- है, तो एक वीक एसिड और उसका इमीडिएट कंजुगेट पार्ट है कि नहीं है, इमीडिएट, तो ये बफर बनेगा नहीं बनेगा. NaHCO3 Na+ हटा दो, Na+ तो स्पेक्टेटर होता है, तो इसको बोल सकते हो HCO3-, और इसको क्या बोल सकते हो, CO3-2-, तो HCO3- में से H हटाओगे तो क्या CO3-2- बनेगा, तो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसका इमीडिएट कंजुगेट पार्ट है, दोनों है सॉल्यूशन में, बफर ही तो बनेगा. अरे तो जैसे ये L13 है वैसे 14 है. अरे कार्बोनेट और HCO3- का एक दूसरे को कैसे रिलेट कर सकते हो, कार्बोनेट HCO3- को, वही है ठीक है. 15 H3PO4, एक एच हटा दिया तुमने, सोडियम लगा दिया, तो ये क्या होगा बफर. फिर NaH2PO4 और उसमें से एक एच और हटा दिया, ठीक है ये सब बफर है. 17 वाला ये बफर है, नहीं समझ रहे हो, बहुत बढ़िया. 18 अरे फॉस्फेट है, एक एच दे दो क्योंकि HPO42- बनेगा, बफर है ये. 19 भी बफर है, H2S में से एक एच रिमूव करोगे SH- आएगा. 20 बफर, H3PO3 है, एक H+ हटा दो क्या आएगा, NaH2PO3. NaH2PO3, एक मिनट थोड़ा गलती हमसे हो गई, एक मिनट, ये वही गड़बड़ हो गया. एक्चुअली Na2 कर लो इसको, NaH2 कर लो, ये कर लो भैया, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया. 21 देख लो सब लोग, Na2HPO4HPO3 अलग है, NaH2PO3 बफर हो जाएगा ये. ऑनलाइन वालों क्यों गए,
यस सर बफर है 22 बफर है गलत है क्यों गलत है कोई बताओ हमको 22 गलत है क्यों गलत है? कोई बताओ और कुछ कोई बताओ H3PO3 में तो ये हो गया था N3PO4 यहाँ N3PO3 क्यों नहीं बनता डाइबेसिक ट्राइबेसिक एसिड जानते हो H3PO3 डाइबेसिक है या ट्राइबेसिक है H3PO3 अबे H3PO3 डाइबेसिक है H3PO4 कैसा है H3PO4 ट्राइबेसिक है इसका मतलब H3PO4 तीन H+ रिलीज कर सकता है ये तीनों H+ हमने एक एक करके हटाया इसलिए तीन बफर बना था H3PO4 में ये जो लिखा है H3PO3 में पहली बात ये H होता ही नहीं निकलता ही नहीं H+ एसिडिक होता है क्या वो H अरे डाइबेसिक क्यों बोलते हैं क्योंकि दो ही H निकल सकते हैं उसमें से तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है Na3PO4 तो H है ही नहीं तो निकलेगा कहां से ये तो बनता ही नहीं इससे किसी अलग केस में भले ये बन सकता है लेकिन ये बफर सॉल्यूशन नहीं बनेंगे क्योंकि ये वाला एच एसिडिक होता ही नहीं है समझ रहे हो भैया तो ये बनेगा ही नहीं है ये वाला एसिडिक होता ही नहीं समझ में आ गया सबको नहीं समझे लिखोगे अभी रुक जाओ लिखवा देंगे रुक जाओ पहले यहाँ इसमें आओगे तो क्यों नहीं बफर सोडियम पोटेशियम की वजह से अरे सेम है H2PO3 सेम है तो सेम है चीजें H2PO3 माइनस तो ये बफर थोड़ी है लास्ट वाला इधर सोडियम है इधर पोटेशियम है कोई सोडियम पोटेशियम थोड़ी फर्क पड़ने वाला है ये तो इधर H2PO4- है और यहाँ पे क्या है HPO42- सोडियम पोटेशियम से हमको क्या मतलब बफर है ये तो 24th बफर है बताओ दोस्त 22-23 बफर नहीं है साले 20 क्या कह रहे हो अरे H3PO3 डाइबेसिक एसिड होता है वो सिर्फ दो ही H+ रिलीज कर सकता है एक H+ रिलीज किया तो क्या बन जाएगा H2PO3- दूसरा H+ रिलीज करेगा तो क्या बन जाएगा HPO32- तीसरा H+ रिलीज कर ही नहीं सकता क्योंकि एसिडिक ही नहीं होता वो तो ये कैसे बना लोगे है बच्चा P से डायरेक्ट अटैच होता है इसलिए वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है भाई एसिडिक थोड़ी होता है वो बहुत प्यारा बच्चा ये O से लगे हुए है समझ में आ रहा है क्लियर हो गया ये एक बार IIT ने क्वेश्चन पूछा ये सब कॉपी कर लिए IIT ने एक बार क्वेश्चन पूछा उन्होंने बोला सुन तो लो पहले देखो सारे नहीं सुन रहे उन्होंने बोला हमारे पास फॉस्फोरिक एसिड है H3PO4 H3PO4 में NaOH डालना शुरू किया बोले अमाउंट तुम कुछ भी कर सकते हो तुम्हारा जो मन करे वो अमाउंट ले लो NaOH का जो मन करे H3PO4 का बताओ कितने पॉसिबल बफर बना सकते हो हाउ मेनी मतलब मैक्सिमम बफर आर पॉसिबल व्हेन H3PO4 इज ट्रीटेड विद NaOH लिखो क्वेश्चन लिखो हाउ मेनी मैक्सिमम बफर्स आर पॉसिबल जो क्वेश्चन पूछे उतना ही बताओ हाउ मेनी मैक्सिमम बफर सॉल्यूशंस आर पॉसिबल हाउ मेनी मैक्सिमम बफर सॉल्यूशंस आर पॉसिबल इन फॉलोइंग केसेस हाउ मेनी मैक्सिमम बफर सॉल्यूशंस आर पॉसिबल इन फॉलोइंग केसेस है ना भैया नंबर वन टेन मोल एसिटिक एसिड प्लस NaOH 10 मोल एसिटिक एसिड प्लस NaOH ठीक है कोई बोले NaOH का क्या मोल है हमको कुछ नहीं पता नेक्स्ट वाला लिखो
10 मोल फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, 10 मोल H3PO4 प्लस NaOH, कोई बोले NaOH के कितने मोल है जो तुम्हारा मन करे ले लेके अपने आप बताना। मैक्सिमम बफर, तीसरा क्वेश्चन, 10 मोल H3PO3, 10 मोल H3PO3 प्लस NaOH। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 मोल H2CO3, H2CO3 प्लस क्या भाई? NaOH। चलो बताओ। अच्छा तो कैसे बनाओगे? अरे भैया एसिटिक एसिड NaOH से रिएक्शन करेगा, और ऐसा NaOH का अमाउंट ऐसा लेना, ऐसा नहीं लेना कि NaOH तुम 100 मोल ले लो। अगर NaOH तुमने 100 मोल ले लिया तो एसिटिक एसिड तो खत्म हो गया, सब कुछ क्या बच जाएगा? CH3CO- बचेगा और NaOH बचेगा, वो थोड़ी बफर बनाते हैं। इसका मतलब एसिडिक एसिड 10 NaOH 10 मोल से कम मोल लेना पड़ेगा, NaOH 10 मोल से कम मोल लेना पड़ेगा, तो एक ही बफर, एक ही H+ है तो एक ही बफर बनेगा पहले वाले केस में। नहीं समझ रहा हूं, वो बफर क्या होगा? CH3COH और / CH3CO-, ठीक, पहले का आंसर ये आ गया, 1 आ गया। दूसरे का बताओ, 3 आंसर, क्योंकि NaOH के अमाउंट जब चेंज करना शुरू करोगे हो सकता है थोड़ा अमाउंट लिया तो ये वाला टाइप का बन जाए, थोड़ा ज्यादा लिया तो इस टाइप का, थोड़ा और ज्यादा लिया इस टाइप का। 3 पॉसिबल बफर्स हैं, बनाओ जल्दी, तीनों लिख लो वहीं पे, लिख लो 3 बफर। अच्छा बना लो मन करे तो, अगले वाले केस में क्या बताऊं? 2 बफर्स, ठीक है दोस्त। अगले है, क्लियर है, बताओ दोस्त। अगले वाले केस में क्या आएगा? उसमें भी 2। लास्ट वाले केस में आए उसमें भी 2। ठीक, देखो हमने अभी बफर सॉल्यूशन के सिर्फ 2-3 पॉइंट बताए, उन पे क्वेश्चन करा दिए। बफर का अगला पॉइंट, कोई बोले सर आपने बोला कि भाई, अच्छा हम तुमसे पूछें कि CH3, नेक्स्ट पॉइंट बताने जा रहे हैं उसके लिए पहले बेस को बना दें। CH3COH और CH3CO-, ये एक ही सॉल्यूशन में पड़े हैं, बताओ बफर बनेंगे? बनेंगे, बना सकते हैं। NH4OH और NH4+ एक ही सॉल्यूशन में पड़े हैं तो बफर बनेंगे, ठीक, बना सकते हैं। तो अगर ऐसे हुआ तो तुम लोगों के माइंड में एक डाउट ये नहीं आया कि सर हम दुनिया का कोई भी वीक एसिड ले लेते हैं, कोई भी वीक एसिड सपोज करो, तो कोई भी वीक एसिड लेते हो तो वो तो आयनाइज करता है, समझ नहीं आ रहा है क्या? ये तो आयनाइज कर रहा है, वैसे दुनिया का कोई वीक बेस ले लोगे NH4OH जैसे है तो ये भी आयनाइज करेगा, तो इस हिसाब से तो हर सॉल्यूशन पूरी दुनिया में बफर ही है। नहीं समझ रहे हो? अरे अगर ये बफर बना सकता है तो इसका मतलब ये है कि भाई कोई भी वीक एसिड या कोई भी वीक बेस लोगे अगर तो वो तो आयनाइज 1%, 2%, 3% कुछ भी करता है, तो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट उसका कंजुगेट पार्ट या वीक बेस या उसका कंजुगेट पार्ट हमेशा ही सॉल्यूशन में पड़े रहेंगे थोड़े थोड़े अमाउंट में। इसका मतलब बफर सॉल्यूशन में थोड़ा सा और अपडेट करने की, उसकी थ्योरी में थोड़ा अपडेट की जरूरत है। अपडेट ये होता है कि हर कंसंट्रेशन पे नहीं होता, ये बोला जाता है कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है जैसे एसिटिक एसिड ले लो, NH4OH ले लो, तो इसको बोलते हैं अनआयनाइज्ड पार्ट, और जब आयनाइज कर जाता है तो ये आयनाइज वाला है। तो बफर के लिए अगली कंडीशन हम ये बताना चाह रहे हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ आयनाइज्ड पार्ट, रुक जाओ, अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ अनआयनाइज्ड पार्ट, रुकिए, इन दोनों का रेशियो सॉल्यूशन में जब 1/10 से 10 के बीच में होता है, स्टेप बाय स्टेप देखो बफर, अगर इन दोनों के कंसंट्रेशन का रेशियो 1/10 से 10 में आएगा, अरे चाहे पलट दो तब भी 1/10 से 10 ही रहेगा। नहीं समझ रहे हो? अरे आयनाइज बनाने की बात देखिए, तो इसका मतलब है एक वीक इलेक्ट्रोलाइट और उसका इमीडिएट कंजुगेट पार्ट या वीक बेस या उसका कंजुगेट पार्ट, वीक एसिड या उसका कंजुगेट पार्ट, दोनों सॉल्यूशन में पड़े हों तब बफर बनेगा, और दोनों सॉल्यूशन में पड़े हों उनके कंसंट्रेशन का रेशियो या उनके मोल्स का रेशियो, क्योंकि एक ही सॉल्यूशन में होंगे तो वॉल्यूम वॉल्यूम कट भी तो जाएगा, तो दोनों के कंसंट्रेशन का रेशियो या दोनों के मोल्स का रेशियो मस्ट लाई बिटवीन 1/10 to 10, तब वो बफर बनाएंगे। नहीं समझ रहे हो?
इसका मतलब कोई जो वीक एसिड कोई वीक बेस डिसोशिएट हो रहा था वो 2-3% डिसोशिएट कर रहा था ना, तो इस रेंज में थोड़ी लाई कर रहा था उनके आयनाइज्ड पार्ट और अनआयनाइज्ड पार्ट का रेशियो, इसलिए उनको क्या बोलते थे, वो वीक एसिड है या वीक बेस है ऐसे तो बोलते थे। बफर कब बोलेंगे, जब आयनाइज्ड पार्ट और अनआयनाइज्ड पार्ट का रेशियो या आयनाइज्ड पार्ट वो अनआयनाइज्ड पार्ट किसी का रेशियो 1/10 से 10 के बीच में होता है ना। इंपॉर्टेंट करके नेक्स्ट पॉइंट लिखो, टू फॉर्म अ बफर इन ऑर्डर टू फॉर्म अ बफर सॉल्यूशन, इंपॉर्टेंट करके ये नेक्स्ट पॉइंट है, इन ऑर्डर टू फॉर्म अ बफर सॉल्यूशन ratio of concentration of ionized part, in order to form a buffer solution, ratio of concentration of ionized part to unionized part, in order to form a buffer solution, ratio of concentration of ionized part to unionized part must lie between 1/10 to 10. Ratio of concentration of ionized part to unionized part must lie between 1/10 to 10. समझ में आ रहा है दोस्त? Must lie. ऐसा नहीं है कि फिर कोई भी ionized part हो unionized part हो सोल्यूशन में डाल दो बफर बन गया। अबे उनका रेशियो होना चाहिए 1/10 से 10 के बीच में, तब बफर कहलाएगा। तब बफर कहलाएगा मतलब तब वो उसकी स्पेशल प्रॉपर्टी होगी जो पीएच चेंज को रेजिस्ट करने वाली। कोई बोले अगर ना हो तो ठीक है सॉल्यूशन रहेगा, लेकिन वो स्पेशल प्रॉपर्टी जो बफर वाली होती थी जो पीएच चेंज को रेजिस्ट करता है वो प्रॉपर्टी नहीं आ पाएगी। वो प्रॉपर्टी कब होती है, जब आयनाइज्ड पार्ट और अनआयनाइज्ड पार्ट के कंसंट्रेशन का रेशियो 1/10 से 10 के बीच में हो, तभी वो पीएच चेंज रेजिस्ट करेगा। वो वाली प्रॉपर्टी जो बफर की स्पेशल प्रॉपर्टी होती है वो आएगी। समझ में आ गया दोस्त? नहीं समझे? चलो बताओ, जल्दी करो, लिख लिया इसको। अब इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है, जैसे हम आपसे बोले हमारे पास 10 मोल एसिटिक एसिड है। सपोज यू हैव 10 मोल एसिटिक एसिड, तो फाइंड रेंज ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू फॉर्म होल सॉल्यूशन अ बफर सॉल्यूशन। गलत है, चलो लिखो। सपोज यू हैव 10 मोल एसिटिक एसिड, थोड़ा सोच के बोलो बेटा, है ना। सपोज यू हैव 10 मोल एसिटिक एसिड, suppose you have 10 mole acetic acid, ठीक है, find range of number of अरे लिखो तो मेरे भाई, suppose you have 10 mole acetic acid, फिर find range of number of moles of NaOH required to form whole solution a buffer solution, find range of number of moles of NaOH required in order to form the whole solution a buffer solution, in order to form a whole solution buffer solution, जल्दी बताओ। अरे बस एक मिनट में बता दे फिर निकल। अरे तुम लोग गड़बड़ी ये कर रहे हो, 10 नहीं होगा। अरे एसिटिक एसिड के कितने हैं, 10 मोल है, और उसके कितने हैं NaOH के। अरे CH3COH ले लो। अरे तुम लोग गड़बड़ कर रहे हो, 9 आएगा भाई आंसर वन से। इधर देखो CH3COH, सुनो NaOH, अच्छा जब ये 10 मोल था या 0 मोल था बफर है क्या? नहीं होगा, नहीं समझे? अरे ये 10 मोल होगा या 0 मोल तो सिर्फ एसिड रहेगा। कोई बोले सर ये 9 हो गया ये 1 हो गया, अच्छा ये 10 है और ये 1 है, बताओ बफर बनेगा? बिल्कुल बनेगा। अरे क्योंकि 1 मोल क्या हो जाएगा CH3COONA, अरे जब NaOH डालोगे तो एसिटिक एसिड 1 मोल खत्म नहीं हो जाएगा, तो 1 मोल क्या आएगा CH3COONA, एसिटिक एसिड कितना बचेगा 9 मोल, तो क्या 1/10 से 1 के रेशियो में आ रहा है, 10 के 1/9 आ रहा है रेशियो, नहीं समझ रहे हो? कोई बोले सर ये 10 मोल ले लो या 2 मोल ले लो, बनेगा? क्योंकि 2 मोल जब NaOH है तो 2 मोल एसिटिक एसिड से कंबाइन करके 2 मोल CH3CO- बना देगा और 8 मोल एसिटिक एसिड बनेगा, तो फिर से बफर हो गया। कोई बोले 10 और 3 ले ले इसको NaOH में, तो तभी बनेगा, 3 मोल हो जाएगा CH3CO- और 7 मोल क्या हो जाएगा एसिटिक एसिड, फिर वैसे 10 और 4 पे बनेगा, 10 5 पे बनेगा, क्योंकि रेशियो उनका आयनाइज्ड पार्ट और अनआयनाइज्ड पार्ट का क्या आएगा, 10 6 पे आएगा, 10 7 पे,
10-8 पे, 10-9 पे और 10-10 पे नहीं बनेगा, समझ रहे हो? हमें कुल मिलाकर CH3CO- अपॉन CH3COH वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो उसके कंसंट्रेशन का रेशियो 1/10 से 10 के बीच में चाहिए, ये चाहिए था। तो इसी को ऑब्टेन करने के चक्कर में कितने बफर बने? 9 बफर बन गए, 9 टाइप के बफर, मतलब जो हमने लिखा है उसके अकॉर्डिंग और भी बन सकते हैं ना। तो रेंज क्या होगी NaOH के मोल्स की? 1 to 9 होगी NaOH के मोल्स की, क्लोज इंटरवल के साथ 1 to 9। क्या भे? क्लोज इंटरवल के साथ NaOH के मोल्स की रेंज 1 से 9 होगी। 1 मोल लोगे तब भी बफर और 9 मोल लोगे तब भी बफर, उसके ना उधर बफर ना इधर बफर, समझ रहे हो? Yes. बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे, अब आप लोग ब्रेक ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, छुट्टी आपकी। थैंक यू, थैंक यू, जा सकते हो अब आप लोग। थैंक यू, कॉपी कर लो इसको।